Didn't know that you were leaving tomorrow. Didn't get a warning. Guess I'm gonna go return when I got you. It wasn't what you wanted. You were gone before the leaves hit the pavement. Wasn't even morning. Can't escape seeing your face in the water, scattered in the shades of blue. Skies are waiting and watching her fly by. Mountains that now only she'll climb, higher than she'll ever know. But she's got 5 more miles to go. Stop calling, thought it went unspoken. But ever since you crossed the ocean, all the waves are frozen. I'm standing in your shadows, I'm staring at the sun. No, I'll never see your rays, our days are over. But blue skies are waiting and watching her fly by. Mountains that now only she'll climb, higher than she'll ever know. But she's got 5 more miles to go. What's up guys, welcome back to another live stream. आज जल्दी आ गया मैं. ओहो आरजी भी हो रहा. हाँ मतलब मैंने सोचा कि कर देता हूँ. चलो वेल इट इज लाइव. थोड़ा सा ऐसा स्लाइडर खिसका देता. हाय नीति, हाय चिराग, हाय करण, हाय वाइल्ड इंजीनियर माय बॉय एनिग्मा वाइल्ड इन चैट. क्या हो गया भाई? हाय डिंपू, हाय राजपुरोहित शिवा, क्या हाल है, कैसे जा रहा है दिन? हाय ट्विंकल, हाय संगमी डांडेकर, हेलो, क्या हाल है ब्रो, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल मैन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. आज सोच रहा हूँ कॉपीराइटेड थोड़े गाने से गाने चला ही देता हूँ. थोड़ा सा उवू स्ट्रीम किया है तो कर ही देते हैं, है ना. हर्षिता के साथ खेलो कि वो वैलो खेल रही है क्या? आज ठीक है, कॉपीराइटेड स्ट्रीम हो जान दो. थोड़ा ज्यादा ही एस्थेटिक स्ट्रीम के मूड में हूं मैं. आयु क्यूरी एकदम बढ़िया. आज देखो थोड़ा सा लाइटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो यार मौज मच हो ना. एकदम आज कॉपीराइटेड स्ट्रीम हो रही क्या? हाँ बट सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं ले रहा मैं, एटलीस्ट फॉर नाउ. मैं ना स्पॉटिफाई के रिकमेंडेशन में बहुत मानता हूँ. तुम्हारा रैंक क्या है? मेरा रैंक फिलहाल प्लाट वन है और आज मैं ये वाला कैमरा एंगल रखने वाला हूँ. थोड़ा सा ज्यादा ऊवू लगता है मेरे को. ये शब्द क्यों बोलता हूँ मैं? वीआईपी सुपर चैट चेकिंग बाय द वे, हाउ यू, हाउ इज इट? एकदम बढ़िया दिन था मेरा नकल. थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर द 40 रुपीस मैन. ये वाला ओवरले भी अच्छा है, यू नो दिस इज आल्सो नाइस. बट थोड़ा मेरे को वो ऊवू ज्यादा लग रहा था. है निकी, दिस डिड माय सेकंड स्ट्रीम टोस्टी, हाउ इज इट, हाउ डिड इट गो ब्रो? अग्निता, कैमरा गोस ब्रो, मैंने ही हटाया. हाय भव्य, तो हाई प्ले करो ब्रो, नॉट टेकिंग सॉन्ग रिक्वेस्ट. आज थोड़े से क्यूट क्यूट गाने बजने दे रहा हूँ मैं, ऑटो प्ले पे बज रहा है एंड आई डोंट केयर इफ कॉपीराइट कम्स. सोल ने ये क्या किया पता नहीं, क्या बात कर रहे हो. हाय गीत, कैसे हो? मैं बढ़िया. निकी कुमारी, हाय सुहाना, प्रोफाइल पिक्चर बदला गया सुहाना ने, ये क्या डाल दिया है? जूते की पिक्चर रखी है क्या? तुम अच्छे हो यार, एटलीस्ट चैट पढ़ते हो, वरना कोई नहीं पढ़ता. पढ़ते हैं यार, पढ़ते चैट पढ़ते हैं लोग, बट मेरा थोड़ा ज्यादा मजा आता है चैट पढ़ने में. मिरर पिक है मेरी, सॉरी इतना सा पिक होता है ना, दिखता नहीं है. अच्छा ये वो वाला पिक्चर है क्या जिसमें ऐसा तूने कुछ, ये मुंबई वाला पिक्चर है ना, बिकॉज आई गेस तूने ऐसा कुछ भेजा है. एनी टीवी दी फैन यार, यार जो लड़कियां तो एम्पायर डायरीज की फैन है भाई, तुम लोग को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पसंद है भाई. वैम्पायरों से प्यार कर लो, इंसानों से ना करो तुम, बस लड़कियों की पड़ता है. जुश कैसा है जान ब्रो,
हर्षल ठाकुर। तू यार, तेरे को पता है मेरी स्ट्रीम की जान है तू। तू नहीं होता, सूरज नहीं होता, ये लोग नहीं होते ना, तो लगता नहीं है कि स्ट्रीम किया। नो भैया, ओनली फॉर गर्ल्स टू स्टिक। करण कुत्ते, ऐसे तो बोलना ही मत। तेरा स्ट्रीम पे आई थिंक टॉप थ्री चार्ट्स में पहले ही तेरा चार्ट पड़ा था मेरा। थंडर एंड लव नहीं देख पाया यार। जेडी सीएमजी मतलब जेडी कमिंग बात नहीं हुई है। अगर आ जाए जेडी भाई तो खेलेंगे ब्रो। घर कब आओ? वो चीज़ लेके कभी मत आता अपन। वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे को। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा म्यूज़िक बज रहा है? बस कर साले, शर्म आती है तो शर्मा ले यार। आज थोड़ा ऊ स्ट्रीम है। रेड हर्षी को बोलो मेरे को रेड करे। भाई मेरा वॉचिंग देखो और हर्षी का देखो। ऑफकोर्स हर्षी के पास ज़्यादा व्यूअर्स है। यू क्यूट है तो हम भी थोड़ा क्यूट बनने का ट्राई कर रहे हैं। ओ भाई, आई जस्ट रियलाइज कि तुम लोग को मेरा आवाज़ कम आ रहा था। हाय मेघा, हाय गीत, हाय ऋषभ, वंशज आज नहीं आया। मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? वर्चुअल हग, आ जाओ ब्रो, आ जाओ। ओ बाय द वे, ये जो आज टी शर्ट मैंने पहना है ये घोसली ने मेरे को दिया था। घोसली बॉय का टी शर्ट है ये। क्या लिखा है? सिंपलनेस, जेनरस, इंटरेस्टिंग। लुक्स लाइक घोसली इज लिविंग मोटो। एंड ये घोसली बॉय का साइज है, इज नॉट इवन माई साइज। एंड मैं जब गोवा गया था तब उसने ये टी शर्ट मेरे को दिया था। मैंने जब हर्षी को देखा था तब उसके 100 सब्स भी नहीं थे, बट अब शी वॉन्ट रीड माई चैट। ऐसा है क्या? मस्त यार, है ना? मेरा और घोसली का ऐसा टी शर्ट्स का लेन देन शुरू हो चुका है। क्यूट एनफ। थैंक यू भवानी। मिस यस्टरडे स्ट्रीम, वेंट टू वॉच थॉर लव एंड थंडर। कैसा लगा? आई एम येट टू वॉच लव एंड थंडर। है तान्या? बस सर आप इतना बोल दिए छाती चौड़ा हो गया हमारा। हर्षल इसके बाद, आज के बाद ये मत बोलना कि मैं सिर्फ लड़कियों की चाट पढ़ता हूँ। सुशांत, यू टोसी साइबरपंक ट्रैक किया? यार खेलने की इच्छा नहीं हो रही फॉर सम रीजन। साइबरपंक मेरे को जब लॉन्च हुआ था तब भी नहीं हुई, अब भी नहीं हो रही। तो ना टाइम आउट खा रही है तू, ठीक है? नो स्पॉयलर्स इन चैट। वेरी रिलैक्सिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है ना आज, भले कॉपीराइट आए तो आने दो। नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक बजा रहा हूँ। अरे मतलब कॉपीराइटेड म्यूजिक बजा। पैन ना था, एक स्ट्रीम नहीं, एड रेवेन्यू नहीं आवे खाली 4 रुपया। रूम में चपर चार्जिंग ना दिया माँ, रोज भूली जाऊँ छो। मतलब भवानी पांडे, मैं किसी की भी चैट इग्नोर नहीं करता, लड़का हो लड़की हो, मैं रैंडमली पढ़ता हूँ। यू शो गुड, थैंक यू। हर्षिता कह रही है टोस्टी शूट रेड में उसके ज़्यादा सब्ज है। उसको बोल व्यूअरशिप से रेड होता है, सबसे नहीं होता भाई। पता नहीं वो लड़की को कितना क्लाउड चाहिए, बाप रे बाप। मेरी 40 वॉचिंग भी लेके जानी है उसको। बट सही है यार। गाइस मैंने सुना है वो कुछ रियलिटी शो कर रही है, तुम लोग बता रहे थे मेरे को। आप तो वही हो ना, कहीं तो देखा लग रहा है, प्लेग्राउंड में देखा था ब्रो तूने। भूली जाओ छो यार। अरे यार राज पुरोहित, क्या बात कर रहे हो? इंस्टा स्टोरी देखी, बढ़िया है न्यू सेटअप। थैंक्स मैन। आई मीन सेटअप सेम है, बस ये लाइट ऐड हुआ है ये वाला। हर्षी की व्यूअरशिप 150 है, बढ़िया बढ़िया यार, डिजर्व करती हो। विच गेम? वैलोरेंट खेलने की इच्छा है, बट फॉर नाउ मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ। गेम तो यार खेले जाएंगे बाद में। आई मनीष खैतान, लव यू भाई, लव यू टू भाई। मेरी किसी स्ट्रीम पे 10 व्यूज आ जाए वही बड़ी बात है। मेरे लिए भी ऐसी सेम चीज़ हुआ करती थी पहले मेरे लिए ऐसा था कि मेरी स्ट्रीम पे यू नो 100 व्यूज आ जाते, बहुत बड़ी बात होती थी। जय भाई, हर्षिता ने गले क्यूट है एटले एज क्या? नहीं नहीं, प्लेग्राउंड में नहीं, हर्ष भाई की चैट में थे, मुझे बुली कर रहे थे मॉड बन के। क्या बात कर रहे हैं आशुतोष, मैं कभी किसी को बुली नहीं करता भाई। आई एम द बेस्ट मॉड एवर, इतना बेस्ट मॉड हूँ कि मैं हर एक स्ट्रीमर की चैट में मॉड हूँ। आई परी कृतु गई, कृतु कुमार इज बैक। कृतु कुमारी, ओ गॉड, एक बार बस दिला दे, क्या चाहिए भाई। हाय ओजा माडू जी, व्हाट्स अप क्यूडी, आई हैव सीन यू सेलिब्रेटिंग योर फर्स्ट 1K व्यूज। तो फिर शिभा इधर ही देख लो, क्षितिज देख लिया भाई, दिखा क्या दिखा रहा है आज। कैसे हो गाइस, कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? भाई हम लॉयल है, इधर उधर नहीं जाते, तुम पे ही टिके हुए फ्रॉम बिगिनिंग। भवानी इधर उधर जाओ पर जब मैं लाइव हूँ तो इधर आ जाओ, आग भी नहीं मारी जाती मुझसे।
मुझे आंख मारना नहीं आता गाइस, सब वियर्ड फेस बनाए बनाए बिना आंख कैसे मारता है, आंख कैसे मारता है, आंख नहीं मारी जाती मुझसे। निश्चय इज डूइंग ओमे टीवी यार, सैड यार, मेरे में ओमे टीवी चलता नहीं है। आज फिर से डम शरेट खेलोगे क्या? देखते यार, रात लंबी है, तुम लोग से पहले थोड़ा बातें करते। लाइव इंसान भी लाइव ऐसा ही है यार, चश्मा उतार के मारो, कहा ग्लेयर आ रहा था ना। बिना चश्मे के अच्छा लगता हूँ क्या मैं? मेरा खाली यूनिब्राउ ज्वाइन हो रहा है, बट डू यू थिंक मेरे को ऐसा बिना चश्मे के घूमना चाहिए? मैं थ्रेडिंग करवाता ही हूँ, एवरी मंथ और टू में मैं थ्रेडिंग करवाता हूँ, बट हाँ मेरे को वियर्ड लगता है बिना चश्मे के, प्रॉबली बिकॉज आदत नहीं है मेरे को खुद को बिना चश्मे देखने की। बट क्या लगता है, चश्मा हटा के मैं लेंस पहनूँ या लेज़र सर्जरी करा दूँ तो कैसा लगूँगा? क्या तुम बिना चश्मे के मुझे एक्सेप्ट करोगे? आय काव्य, वियर्ड लगता है ना? बिल्कुल नहीं, नो, ओके, चश्मे पहनो भाई, ओके। आय काव्य, बिल्कुल मस्त लगते हो बिना चश्मे के। दीपक भाई तू बोलता है तो मैं मानूंगा, बट वरुण हेगड़े भी मना कर रहा है। सुशांत, सीपीयू अपग्रेड करने की सोची है क्या? सुशांत मेरे को अभी इंटेल अपग्रेड करना है, इंटेल i9 करूंगा, अब सीधा करूंगा। तो मिस्टर एस्थेटिक वाह 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 वाह, वंसरी मेरा वाला लाफ सीख गई है तू। अरे ये क्या फोटो लगाया तूने, गुब्बारा बनाया तूने मुंह का, फोड़ दूं क्या मैं? हर्षिता कहती है टोसी के ज्यादा फैंस है। छोड़ो यार मैं क्या बोलूं, प्लेग्राउंड का पेज खुद हर्षिता के, हम लोग के एक एक क्लिप आते हैं, हर्षिता के तीन आते हैं। यूट्यूब पे जय खत्री सर्च करोगे शायद प्लेग्राउंड के 5 वीडियोस मिलेंगे, हर्षिता सर्च करोगे तो यूट्यूब के 5 पेज मिलेंगे। बट ठीक है, अगर उसे लगता है कि मेरे ज़्यादा फैंस है तो ये गाइज उसकी हम्बलनेस है, हर्षिता की हम्बलनेस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एस्थेटिक वर्ड थी, गुस्सा नहीं आता, आता है बट सब लोग ये शब्द ज़्यादा यूज़ करते, तो मैंने बोला रिलेटेबिलिटी के नाम पे लगा देते हैं टाइटल में। है तुम लोग को कुछ भी पिंक दिख जाए, थोड़ा सा ऐसा गॉशियन ब्लर दिख जाए, लाइट थोड़ी सी ग्लो हो जाए, एस्थेटिक। हाय उमेर, जय खत्री सर्च करने पे कंट्रोवर्सी वीडियो आते हो भाई यार, मतलब दैट इज द लास्ट थिंग आई एवर वांटेड इन माय लाइफ, कि मतलब मेरा नाम सर्च करने पे अगर कंट्रोवर्सी आए, ओ माय गॉड, आई हैव फेल्ड माय सेल्फ। हाय निधि, लेंस ट्राई किया है क्या आज तक? भाई बहुत कांड फटती है मेरी। हर्षियन, सुकू से ऑब्सेस्ड है प्लेग्राउंड का इंस्टा हैंडल के ओनर? नहीं, आप लोग ऑब्सेस्ड हो, आप लोग सुकू, आप लोग हर्षिता स्पैम करते हो इसलिए क्लिप्स आता है। कभी टोस्टी भी करो, मेरे भी आएंगे। हाय आशी, हाय साकेब, हाय शिव योगी, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाय संगमी, हाउ इज डे गोइंग? मेरे को तेरे को भेजा भी, मैंने तेरे को भेजा भी था क्या? क्या भेजा था तूने मेरे को? अच्छा कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो ना, मैंने देख रखा था। 1,00,000 विदाउट लैग गेम, हाँ चलता है, ऑल गेम्स खेल सकते हैं क्या लाइव पे? YT पे लाइव करके प्रोसेसर बोलो, अच्छा सा बजट 20,000। वेट, ऑल गेम्स तेरे को i5 12th gen पे भी चल जाएगा? रुक मैं अमेजोन पे देखता हूँ, जैसे अमेजोन पे नहीं देखना चाहिए, TLG पे देखते हैं फिलहाल। अमेजोन पे ज़्यादा प्राइसेस होते हैं, एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी। हाय, गिफ्ट मी मेंबरशिप प्लीज। कल किसी ने गिफ्ट किया था, एक स्पेक्टर ने गिफ्ट किया हुआ था कल किसने किया था, मैं यार नाम भूल जाता हूँ यार, पक मेरे को हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। i5 12th जनरेशन ले लो, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है एंड इस पे तुम्हारा हर एक गेम बिना लैग के चलेगा। ब्लेस यू, थैंक यू, एवरीथिंग इज एस्थेटिक, वर्ल्ड इज एस्थेटिक, यूनिवर्स इज एस्थेटिक, सब कुछ एस्थेटिक बेटा, आई एग्री। फिर अगर तुम AMD के फैन हो तो फिर राइजन 5600 ले सकते हो। मैं इंटेल सब ये प्रमोट करता हूँ बिकॉज इंटेल में ना FPS ज़्यादा निकलता है, उसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो कंपेयर टू अदर प्रोसेसर्स बेटर है, तो वो तुम्हें गेम में FPS ज़्यादा देगा CPU इंटेंसिव गेम्स में, CPU इंटेंसिव गेम एज इन वैलोरेंट जैसे गेम्स में। प्यार मिलता है कि अमेज़ॉन पे खरीद लेता हूँ मैं भाई। 5600X भी अच्छा प्रोसेसर, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि तुम्हारे पास कौन सा मदरबोर्ड है, यू नो तुम्हारे पास पहले कौन सा प्रोसेसर था, तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिबल अपग्रेड लगता है वो करो। एंड X वर्जन लेना है, AMD लेना है तो मतलब डिपेंड्स, ओवरक्लॉकिंग अगर कर रहे हो तो नॉन X लेना, अगर ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हो तो X वाला लेना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ऐसे ही होता है ना। इंटेल में ओवरक्लॉकिंग का सवाल नहीं, अभी सारे
मैं तो सजेस्ट करता हूँ इंटेल के प्रोसेसर्स को ओवरक्लॉक मत करो, तो बेस पे चलाओ, रेजोल्यूशन पे अच्छा ही है। रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ, क्लॉक स्पीड, बेस क्लॉक स्पीड पे चलाओ, अच्छा सा कूलिंग लगा दो। इंटेल में कंपैरेटिवली कूलिंग की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, तो एयर कूलर भी चल जाता है, बट या वो लगा दो तो पीसी तुम्हारा काफ़ी अच्छे टेम्प्स पे रहेगा। अगर अच्छे टेम्प्स में रहेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? आई एम ड्रिंकिंग क्या बोलते हैं इसको, मैंगो मिंट सम मिक्सचर। नाइस वॉलपेपर, थैंक यू, इट्स सेसु सारो जी, हमने लो पीछे, थैंक यू इरफान। आलिया भट्ट इज सो क्यूट, कहाँ से आई कॉन्वर्जेशन में आलिया भट्ट? 7 to 8 आवर्स स्ट्रीम का, हाँ चलेगा। अगर तू देख कोई भी प्रोसेसर ले, मेरे जैसी गलती मत करना, मेरा अभी भी पीसी एयर कूल होता है, उसमें लिक्विड कूलिंग नहीं है, तो आई वॉन्ट टू बाय अ कूलर, बट अभी तक काम चल रहा है तो चल रहा है। बट एक दिन मैंने देखा था मेरा प्रोसेसर 80 to 90 डिग्री भी जाता है, जो बहुत खराब है। आम पन्ना, आई डोंट नो आम पन्ना बोलते कि नहीं, बट ठीक है कुछ तो। कच्ची कैरी का जूस है प्लस मिंट है प्लस थोड़ा सा कुछ और है। बस लैपटॉप अंडर 8000 में, क्या 8000 में लैपटॉप थोड़ी आता है। LG का AC, हाँ LG का AC है मेरा, कूलिंग लिक्विड कूलिंग में क्या फ़र्क है? उसमें स्पेसिफिक कूलेंट आता है, ठीक है, और वो कूलेंट अटैच होता है रेडिएटर से, तो तुम्हारा जो भी गर्मी निकलता है पीसी से वो सीधा उस कूलेंट के थ्रू, वो पाइप्स के थ्रू रेडिएटर से बाहर जाता है, एंड वो लिक्विड को बाहर की हवा से कूल कर देता है। तो बेसिकली तेरा जो, थिंक ऑफ इट एज अ वैक्यूम, ठीक है, हीट का वैक्यूम। तो ऐसा तेरा ये प्रोसेसर है, इसमें से गर्मी निकल रही है, तो ये हीट का वैक्यूम करके ऐसा सीधा जाके गर्म हवा बाहर, बस जो एयर कूलिंग में ऐसा एयर तेरे कैबिनेट के अंदर ही रहती है एंड फिर एग्जॉस्ट करनी पड़ती है, इट्स डायरेक्ट लाइक अ वैक्यूम। मराठी में बहुत कुछ बोलते हैं, तू मला मराठी शिकवते हर्षल ठाकुर, माझा मराठी हर्ष राणेची गेमिंग जैसा आहे। आहे तनिका आज ही, आई एम डूइंग वेल। आम पन्ना एक्स कच्ची कह रही है, मेरे को पता है लेटेस्ट मार्केट में, आई एम द मैन्युफैक्चरर। वाह भाई, तू तेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस, ए तुला मराठी कशी नहीं है? मला मराठी वीक आहे, मला मी मराठी समजून शकत आहे मग नाही पण, आणि आणि क्या यार, मैं कंजक्शन में गायब हो गया। आज लाइव जल्द हुआ या मैं लेट आई? नहीं नहीं यानवी, आज जल्दी हुआ, मैं 9 बजे आज टाइम से आ गया। पिक समथिंग इन पंजाबी, सानू पंजाबी नहीं आंदी नोवैनिया, असी अहमदाबाद विच जस्सी दे पराठे, उत्थे आलू पराठे नाल लस्सी का छावड़े ना भाई, रमेरो सू करेरो ये सब पता है। 80-90 ये क्या है? कोडिंग विद आर्यन, आई डोंट नो यू पर्सनली बट मे बी आई कैन इफ यू आर वेरी रेगुलर ऑन माई चैनल। नको अल माजा, माफ करा याशी जैन, पण मला मराठी, मी मराठी शिकणार वन डे, लसी पीती सी। अच्छा भाई, आई थॉट, आई ऑलवेज यूज टू थिंक पित्ती सी ये गलत ग्रामर है, मैं लस्सी पित्ती सी, मेरे को लगा ऐसा लोग फन के लिए बोलते होंगे, बट एक पंजाबी लड़की मेरे को ये बोल रही है। ए निधि दोस्ती स्माइल। भाई निश्चय भाई के साथ खेलो, क्या खेल रहा है? कन्फ्यूज श्रीगु भाई का स्ट्रीम देखो या आपकी? दोनों स्ट्रीम देखो, दो मोबाइल लो, दो स्ट्रीम देखो, या तो अगर कंप्यूटर पे हो टैब, दो टैब खोलो, दो स्ट्रीम चालू रखो और ऐसा हाफ हाफ कर दो, सी फॉर पास्ट। ओके भाई, मैंने एसर नाइट्रो फाइल लिया, कॉन्ग्रेट्स ब्रो। भाई जाना होगा, फोन ठीक करवाना है। अरे यार किसी और का फोन लेके स्ट्रीम देख, और गाइस 100 लाइक्स फटाफट। आई एम गुजराती, नाइस माधवी, कहाँ से हो गुजरात में? दो मोबाइल नहीं है रे संगमी, उगा उगा सिखाऊ सका ताता,
चिकू बहुत हैवी है ये, इतना सब नहीं होगा मुझसे। अहमदाबाद किधर, हरियाणवी में कुछ हो जाए। रे तन्ने बेरो को नी मारी स्कॉर्पियो, मारी स्कॉर्पियो में चार प्रधानमंत्री चाय नाश्ता करे है। निश्चय भाई हॉरर गेम खेल रहे हैं, कौन सी? निश्चय भाई के साथ कोई खेल रहा होगा ना, आई डोंट नो, कोई मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा है सिंगल प्लेयर। तुझावर मराठी सूट नहीं करा था ना, गुजराती अच्छा यार, मैंने गुजराती बोलवा दो यार, गुजराती में बात करोगे वधारे सारू रह सर, वधारे सारू रह सर। मैं गुजराती भी क्यों हग रहा हूँ। हाँ लाइव इंसान भूतिया ओयो में फंस गया, ये क्या है? व्हाट इज लाइव इंसान? कोई इशू आएगा, होता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, एरर कनेक्टिंग टू सर्वर। ही इज नॉट प्लेइंग हॉरर गेम। ट्रिगर्ड भाई का हेयर स्टाइल, ओ माय गॉड, ओमेगल नहीं चलता मेरे साइड में। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सही है ट्रिगू भाई, हमारा भी नहीं चलता है। Which processor is best, Ryzen or Intel 10? Honestly, यार इसमें मैं तुम्हें सही बात बताऊं, इट्स मोर अबाउट द प्रेफरेंस। अगर तुम्हें स्टैट्स का, स्टैट्स से फर्क पड़ता है ना कि यू नो किसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर है, किसका मल्टी कोर बेटर है, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, तेरे को नंबर्स मिल जाएंगे। बट मैं एक ऑनेस्ट अपना फीडबैक दूंगा कि गो विथ वॉट सूट्स यू, तुम्हें किस ब्रांड पर ज़्यादा ट्रस्ट है। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो नाइकी अगर एक जूता निकालेगा तो एडिडास उसका एक और कॉम्पिटिटिव जूता निकालेगा, इसका शायद वेट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, बट देन हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू? तो गो 45 दोगे क्या दू, ये दिस इज रैंडम प्लेलिस्ट, कुछ भी बज रहा है। हाँ सो गो एंड बाय व्हाट यू फील यू लाइक। I am sponsored by Asus ROG and Intel. So for laptops I can tell ki Intel ka performance better hai. And I would suggest you to buy that. For desktops, bhai PC ki duniya mein na kisi bhi brand ki koi cheez ke sath kisi bhi brand ki koi cheez laga sakte ho. So I would say just go with your experience with the brand. What do you think? Tumhe kaun sa acche price pe mil raha hai aur tumhare paas graphic card kaun sa hai, kaun sa मदरबोर्ड तुम्हारे पास है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। इंटेल है स्टैट्स के हिसाब से 1 to 900 KS, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें ऑन पेपर कोई प्रोसेसर कितना स्ट्रांग है मैटर नहीं करता इन रियल लाइफ, अनलेस यू हैव आइडियल सिचुएशंस। तो जो बेंचमार्क्स होते हैं वो टेस्टिंग कैसे होता है, अगर मैं बोलूँ कि एक प्रोसेसर का बेंचमार्क टेस्ट कर रहे हो तुम, तो उसके साथ 3090 लगाया होता है, उसके साथ 32 GB रैम होती है, उसको एकदम मैक्सड आउट रखा होता है ताकि प्रोसेसर का मैक्सिमम पोटेंशियल दिखे। बट वो पोटेंशियल कभी तुम्हें रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, एक i5 के साथ तुम 3090 नहीं लगाओगे, 32 GB नहीं लगाओगे। तो इट्स जस्ट दैट कि रियलिस्टिक बिल्ड्स देखो, चेक कंपेयर करो। और फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ कि इंटेल पे अपग्रेड मारूं, बट अभी मेरा थोड़ा सा बजट कम है, तो अगर मैं बाय कर रहा होता तो मैं अभी इंटेल i7 12th generation लेता। अभी ये मंकी पॉक्स क्या हुआ है पता नहीं यार। हाय नलुल, हाँ भाई, हाँ जीनिक्स नलुल है वो, नलुल आय जान भी। अंडर 10,000 का पीसी बताओ, पेंटियम G4560 बस। जेब्रोनिक्स का 2000 का मदरबोर्ड, 2000 का कैबिनेट, 2000 का भी नहीं, 1,500 का कुछ कैबिनेट ले लो, 1,000 का कीबोर्ड माउस कॉम्बो ले लो, और एक हार्ड डिस्क ले लो 1,000-1,500 की। अच्छा करंट फेवरेट सॉन्ग, देर इज नो पर्टिकुलर करंट फेवरेट सॉन्ग जो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, बट देर इज ऑलवेज बीन दिस वन सॉन्ग, तेरा चेहरा बाय अदनान सामी, जो मैं सुनता हूँ। 100 FPS में हैवान कुमारा, वाह बेटे कॉन्ग्रैट्स, स्पेक्टर गेमिंग प्रो गेमिंग करके आ रहा है तू, हरियाणा ग्रांडे बेस्ट मॉड। चलो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गेम चालू करो, आधा घंटा हो गया लाइव शुरू किया। उदित की क्रश और गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो, हाय भूमिका, हाय बंसरी, नहीं अच्छा चल ठीक है, गेम नहीं, साथ में राफ्ट खेले, राफ्ट सीखना पड़ेगा मुझे, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम, सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक मेरे पास
गेम पास का मैं कब कब बाय करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन गेम पास में क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा है मेरा। मेरा डाला, मेरे दोस्त का डाला, बहुत लोगों का डाला, उसमें ये बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल तुम्हारे दिए गए एड्रेस से मैच नहीं करती है, ये एड्रेस तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से मैच नहीं करता। ट्रुथ और डेयर, चलो खेलता। यू गाइज गेट टू आस्क मी एनीथिंग। आई पिक ट्रुथ। योर फेवरेट फाइट इन प्लेग्राउंड। फेवरेट फाइट, फन फाइट तो रुचिर उदित। सुहाना को टाइम आउट क्यों दिया? अब वापस आएगी सुहाना, क्योंकि तू सुहाना कुछ इफ यू रिमेंबर तू स्पॉयलर्स दे रही थी चैट में। अगर तेरे स्पॉयलर देने से कोई स्ट्रीम बंद कर देता है और देखता नहीं है मेरा स्ट्रीम वापस, जब तक वो लोग वो थॉर लव एंड थंडर ना देखे, तो भाई धंधा बंद मेरा हो रहा है सुहाना, तो टाइम आउट तो देना बनता है। चलो गाइज, आज ट्रूथ और डेयर खेलता है। यू गाइज गेट टू आस्क मी एनीथिंग एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं 100% सच्चाई से जवाब दूंगा। Who is your crush? I don't have a crush in real life as in from people I know, but I have a crush on Radhika Seth. Favorite YouTuber? Air Rack, AIRACK, Air Rack, Hawa Rack. मैं भी neon sign मंगवा लिया, सही है यार Spectre. Yes Dimpu, I remember you. जादू है, नशा है, Gravero mix चलाओ। चला देते हैं Gravero के गाने YouTube पे, बट आई थिंक उसमें सोनी म्यूजिक और इनके कॉपीराइट्स आएंगे, तो वो तो सीधा वीडियो ब्लॉक कर देता। व्हाट्स माय गिल्टी प्लेजर? स्लीपिंग ऑल डे, इवन दो व्हेन आई नो आई एम ऑन अ डेडलाइन आई नीड टू फिनिश वर्क, बट माय गिल्टी प्लेजर इज स्लीपिंग ऑल डे, बट आई डोंट गेट टू स्लीप ऑल डे। इन द बॉटल कर सर्च गूगल में, नो। डेयर यू टू टेल एवरीवन द फिफ्थ स्टैंडर्ड की स्टोरी। अच्छा, फिफ्थ स्टैंडर्ड की स्टोरी बताता हूँ मैं। स्टोरी क्यों बोला मैं, तोतला हो गया क्या? चलो ठीक है गाइस, सो मेरी जिंदगी की सबसे पहली प्रेम कहानी, फिफ्थ स्टैंडर्ड में देर यूज टू बी दिस गर्ल हुम आई यूज टू नो सिंस सेकेंड क्लास, सेकेंड स्टैंडर्ड से। लोग लैपटॉप मोबाइल माउस खरीद रहे हैं, मैं तो तेरे दिल में छोटी सी जगह खरीद ली। वाह वाह गाइस, अगर आप भी सुहाना की तरह मेरे दिल की जगह खरीदना चाहते हो तो हिट द ज्वाइन बटन, बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल, और दिल में जगह आपकी। फिफ्थ क्लास में आई यूज टू लाइक दिस गर्ल, आई वुडंट से आई यूज टू लव दैट गर्ल बिकॉज फिफ्थ में मैं बहुत यंग था। डू यू स्मोक? नो आई डोंट, आई हैव डन हुक्का, आई हैव डन वेप, बट नो नॉट सिगरेट्स। आई हैव डन इट एज इन मैंने हुक्का किया हुआ है, मैंने वेप किया हुआ है, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई डोंट लाइक सिंस आई हैव स्टॉप्ड एक्चुअली। How are you? I'm doing well. हाँ, सो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाली स्टोरी में ऐसा था कि एक लड़की थी, मेरी क्लासमेट थी, ठीक है, जो जिसे मैं बहुत पसंद करता था, एंड हम लोग ट्रुथ और डेयर खेल रहे फिफ्थ से, मतलब मेरे को पसंद थी, हम लोग फिफ्थ से काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और सेवन्थ स्टैंडर्ड में हम लोग एक दिन रैंडमली ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे, एंड वो हर एक स्कूल वाला क्वेश्चन कि तुम्हें किस पे क्रश है, और वो होता है ना कि बताना पड़ता है, तो पहले ऐसा वरुण धवन बोलते थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते थे, उस टाइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया, बट वो बोलना अलाउड नहीं था। एक्चुअल क्रश जो तुम्हें कोई इंसान पसंद है, तो मेरे ऊपर आया, तो मैंने बोला कि नहीं, वो लड़की के ऊपर आया, तो उसने बोला मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैंने बोला ठीक है, उसने बोला लास्ट में बताऊंगी, मैंने बोला ठीक है। मेरे ऊपर ट्रुथ आया, मेरे को सेम सवाल उसने पूछा, तो मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा जब तक तू नहीं बताएगी, तो बोलती है ठीक है, मैं बोलता हूँ चल ठीक है, क्या साथ में बताते दोनों, तो बोलती है मेरे को शर्म आती है, मैं बोला ठीक है, तेरे साथ तेरी दोस्त है ना, तू उसके कान में बैठा, मैं मेरे दोस्त के कान में बताता हूँ, बोला ठीक है। मैंने मेरे दोस्त विहंग के कान में बोला, उसका नाम लिया मैंने उस लड़की का, और विहंग मेरे को देख के पूरा ब्लश कर रहा है, और वो जो लड़की है वो उसकी दोस्त को कान में बता रही है किसी का नाम, और मैंने देखा वो जो लड़की की दोस्त है वो एकदम ऐसे ऐसे हो गई, और फिर वो लड़की की दोस्त और मेरा दोस्त विहंग दोनों की नजरें टकराई, दोनों एक दूसरे को देख के हो गए, ठीक है, ऐसा फुल। फिर मैंने बोला अरे बताओ तो सही, ठीक है, तो दोनों ने ऐसा काउंटडाउन किया, 3 2 1, मेरे दोस्त ने उस लड़की का नाम लिया, और वो लड़की ने नाम लिया छोटा साइंटिस्ट,
उस टाइम पे स्कूल में मेरा निकनेम था छोटा साइंटिस्ट, बिकॉज मैं कल बोल रहा था ना स्ट्रीम पे, मैं सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें खोल के यू नो देखता था, स्टडी करता था, तो मेरे को ऐसा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं हर एक चीज़ों का साइंटिफिक रीजनिंग ढूंढता था। एक सेकंड, मेरे को कॉल आ रहा है गाइस, एक सेकंड कॉल आ रहा है। हेलो, गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं था। स्टोरी सेशन विद टोस्टी, हाँ मैं बताता हूँ। सो वो लड़की ने मेरा नाम लिया छोटा साइंटिस्ट, और अभी हम दोनों को एक दूसरे पसंद है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा निब्बा निब्बी नहीं, पर वो स्कूल का इनोसेंट वाला वो होता है ना प्यार, वैसा था। मम्मी प्लीज़ मत देखो, नंबर लिखा कोई बात नहीं, एजेंसी में से कॉल था, डोंट वरी। It was no one from my, you know, my friend circle या कोई, एजेंसी में से कॉल था। ऑकवर्ड मोमेंट, ऑकवर्ड नहीं मतलब वो ऐसा स्वीट वाला था भाई। आपने मुझे टाइम आउट किया दिया, मैंने नहीं दिया, मॉड ने दिया होगा, आई आर हार्ट। हाँ तो मतलब फिर ऐसा हम दोनों का थोड़ा सा ऐसा स्वीट मोमेंट बन गया था, और हम लोग, एक सेकेंड आ गए, इसमें ये एजेंसी को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, कल तो मैं बिजी हूँ, हो जाएगा शूट। ये भगवान क्या क्या करना पड़ता है। हाँ तो what was I saying? हाँ तो फिर ऐसा क्यूट मोमेंट बन गया, तो फिर इट बिकेम अ थिंग कि लाइक वी बोथ लाइक ईच अदर। और फिर सेवेंथ क्लास में हुआ ऐसा कि उस टाइम पे स्कूल में ना हमारे हर 6 महीने में प्रिंसिपल बदल रहे थे, 6 महीने नहीं 2 महीने में प्रिंसिपल बदल रहे थे, तो स्टेबिलिटी नहीं था। तो वो जो क्रश थी मेरी, उसके पापा ने उसका स्कूल चेंज कर दिया, एंड उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर जिस स्कूल में प्रिंसिपल ही हर 2 महीने में बदल रहे उधर एजुकेशन क्या मिलेगी, तो वैसे उन्होंने स्कूल चेंज करा दिया उसका। और उसके बाद फिर मुझे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, तो मैं तो सदमे में हूँ, मुझे लिटरली पता नहीं वो कहाँ गई, कौन सी स्कूल में गई, उसके किसी दोस्त को भी आइडिया नहीं था एक आध महीने तक। तो मैं बहुत सैड हो जाता था, मैं बहुत रोता था, मैं स्कूल के स्टेयर्स में जाके रोता था बावरा होके, और इवन मेरे जो 12th स्टैंडर्ड के सीनियर्स होते थे ना,
आई वॉज इन सेवेंथ, मेरे को ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सीनियर्स आके बोलते थे कि कोई बात नहीं जाए, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी ओके, डोंट क्राई, देर इज नो पॉइंट इन क्राइंग, इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर शी विल कम बैक. आई वॉज लाइक ब्रो ये क्या हो रहा है, ट्वेल्थ के बच्चे आके हंस नहीं रहे मेरे पे, मेरे को ऐसा कंसोल कर रहा है. फिर उसके बाद मैं एक दिन ऐसा क्लास में कुछ मेरे साथ हो गया, तो मेरे जो टीचर्स थे, एक दो टीचर्स आके मेरे को ऐसा बोल रहे कि कोई बात नहीं, इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर यू विल बी टुगेदर, वैसा. तो मैं बोला साला टीचर्स भी अब तो बोल रहे हैं, भाई किस लेवल तक बात पहुंच गई है. तो मैं बहुत सैड होता था, मेरे सारे फ्रेंड्स भी फिर उस चीज़ को लेके बहुत मस्ती करते थे मेरी, कि ये हो गया, वो हो गया, वो चली गई, ऐसा. तो सब लोग मेरे को उसके नाम से अभी भी चिढ़ा रहे थे. ठीक है, क्या सपोर्ट, वही तो. तो अभी सीन यह है कि सेवेंथ स्टैंडर्ड से लेके टेंथ स्टैंडर्ड तक मुझे पता ही नहीं है वो लड़की कहाँ गई. आई हैड नो क्ल्यू. मेरे को खाली इतना पता था, उसकी एक फ्रेंड थी जो मेरी भी फ्रेंड थी, उसने खाली इतना बताया कि वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल में गई है, एंड मतलब उसके पापा ने उसका शिफ्ट चेंज, मतलब स्कूल चेंज कर दिया, क्योंकि इधर पढ़ाई नहीं हो रही थी कुछ. और वो लड़की जो थी जो मेरे को पसंद थी, वो टॉपर नहीं थी, वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो इसलिए उसके फैमिली बहुत वो थी, सीरियस थी उसकी पढ़ाई को लेकर. तो मैं लिटरली 3 महीना ऐसा गुम सुम ऐसे घूमता था, मेरे को पता ही नहीं, उसके पापा को पता चल गया होगा, पता चलने की बात ही नहीं है ब्रो, कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. और उसके पापा ने उसके लिए चेंज नहीं किया स्कूल, उसके पापा ने इसीलिए चेंज किया क्योंकि हमारे हर 2 महीने में प्रिंसिपल चेंज होता था और टीचर्स लीव करके जा रहे थे स्कूल, इसीलिए उन्होंने चेंज करवाया. मेरे साथ भी हुआ ऐसा भाई, ऐसा मेरा गायब ही हो गई, मतलब वो 10th क्लास तक, और मेरे को पता ही नहीं है. मतलब मेरे को इतना पता था कि हाँ वो डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे BRDS करके एक जगह है अहमदाबाद में, वहाँ जाती थी. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि मतलब नहीं, ये तो बात की स्टोरी है. पहले मेरे को खाली उसके स्कूल का नाम पता चला था, तो मेरे घर के पास से उस स्कूल की एक बस जाती है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उसमें, बड़े बच्चे नहीं है मेरे घर वाली एरिया में. बट वो बस का भी मैं पीछे ऐसा नंबर नोट कर देता था कॉलेज का, अरे मतलब स्कूल का, उसका एड्रेस वो नोट करता था. मेरे पास उसका है ना एक लैंडलाइन नंबर था वो लड़की का, जो वो मेरे को देके गई थी. बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको कॉल करूँ, छोटे बच्चे एंड द हैंड वर्ड. हाँ सो मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कभी कि उस लैंडलाइन पे कॉल करूँ. तो एक दिन मैंने उसके बर्थडे पे कॉल किया और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया उस लैंडलाइन पे. तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोला कि क्या बोलूँगा मैं, कौन हूँ, उसके मम्मी ने पापा ने फ़ोन उठाया तो BT हो गई मेरे को. अभी सीन क्या हुआ पता है, 10th का एग्ज़ाम्स आने वाले थे, 10th बोर्ड्स के 1 महीने पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है उस लड़की के नाम से, एंड हाय आता है, एंड मैंने देखा वो ये नाम है, एंड मेरे को लगा कि मेरा कोई दोस्त मस्ती कर रहा है, क्योंकि सब लोग को पता है मेरे को ऐसा वो लड़की पसंद थी और ये सब था. तो मेरे को लगा मेरा ही कोई दोस्त था जो मस्ती कर रहा है उस नाम का ID बना के, क्योंकि उस पर प्रोफाइल पिक्चर नहीं था. तो मैंने उसको प्रोफाइल पे यही बोला कि मतलब तू फेक हो सकती है, मेरे को पता है कोई मस्ती कर रहा है मेरे साथ. उसने बोला नहीं मैं सही, मैं एक्चुअल वो लड़की हूँ. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मेरे को एक सवाल का जवाब दे. और वो सवाल का जवाब ऐसा था कि वो सिर्फ मेरे को और उसको ही पता था. तो मैंने उसको पूछा और उसने एक्चुअल सही जवाब बताया, एंड तब कन्फर्म हुआ कि ये वो लड़की थी जो मतलब मेरे को बहुत पसंद थी और 3 साल से गायब थी. तो मैं ऐसा फुल भिन्ना गया, मैं इतना क्रेजी कूदा हूँ, मैं हैप्पी नाचा हूँ, यू नो, बहुत क्रेजी सीन हो गया. फिर हमारी बातें होना शुरू हुआ. और पता है जब तक वो गायब थी ना, मैं उसके पापा का फेसबुक सर्च करता था, मैं उसके भाई का फेसबुक सर्च करता था, होपिंग दैट आई फाइंड 1 पिक्चर ऑफ हर. बट मिला नहीं था. आई थिंक इसके भाई के प्रोफाइल में मेरे को खाली 1 पिक्चर मिला था उसका. अभी कहाँ है बताता हूँ. तो फिर हमारी बातें शुरू होना स्टार्ट हुई. 10th एग्ज़ाम के आई थिंक थोड़े से पहले हम लोग मिले भी सही. हम सब फ्रेंड्स का रीयूनियन हुआ और वो इंस्टाग्राम पे आ चुकी थी, तो सभी फ्रेंड्स मिले. मैं गया, मैंने देखा वो और भी सुंदर लगने लगी थी. मिला मैं, बट मैं एकदम ब्लैंक हो गया. मैं कभी ऐसा उसके साथ मैं कभी ना ऐसा वियर्ड नहीं था, क्योंकि हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे.
बट इतने टाइम बाद वो गायब हो गई, और मैं जब उसको वापस फर्स्ट टाइम मिला ना 3 साल बाद, एकदम ब्लैंक हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं सब शाय शाय हो गया, और फिर भी ऐसा थोड़ा बातचीत हुआ। एंड देन वो रियूनियन के बाद हम लोग का वापस बात चालू हुआ, तो हम लोग का है ना बहुत ऑन ऑफ सीन था। मैंने उसको आई थिंक कम से कम 10 बार मैंने उसको आस्क आउट किया होगा, ठीक है। तो उसमें वो मिक्स रिव्यूज देती थी, 4 बार हाँ बोला होगा, 3 बार ना बोला होगा, 3 बार मेरे को लटका दिया होगा, वैसा। तो वैसा सीन था हम दोनों का, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। फिर मैंने बोला यार ऐसा कब तक चलेगा, तो फिर मैंने ठीक है मैंने बोला जाने दो, जैसा चलता है चलने दो। तो अगर तुम सोचो कि 5th क्लास, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और कॉलेज फर्स्ट ईयर तक, चलो कॉलेज फर्स्ट ईयर हटा देता, फिर भी 8 साल हुए, 8 साल, 8 साल आई वॉज मैड ओवर हील्स फॉर वन गर्ल, नो वन एल्स। मैंने उस पीरियड में किसी भी दूसरी लड़की को ऐसे आंख उठा के नहीं देखा है, और अगर मेरे को कभी ऐसा फील हुआ है ना कि मतलब मेरे को कोई और किसी और से अट्रैक्शन है, एंड इवन इफ आई स्टार्ट डेटिंग सम अदर गर्ल इन दैट मीन टाइम, मैंने 24 आवर्स में ब्रेकअप किया है, नोइंग दैट दिस इज अट्रैक्शन एंड दिस इज नॉट वॉट आई फील, वॉट आई यूज टू फील फॉर हर। तो आई वॉज स्ट्रेट वन साइड, ठीक है, इमेजिन हर वॉचिंग द स्ट्रीम, शी नोज दिस स्टोरी। तो मैंने मतलब उसको बताया भी था 8 ईयर्स वाला डिंग, पर फिर शी वॉज लाइक कि यू नो आई नो दिस वॉज अ थिंग बैक देन, बट नाउ वी आर ग्रोन अप्स, एंड आई थिंक वो बचपन में हमने इनोसेंस में ऐसा लाइक यू नो वी यूज टू लाइक इच अदर, बट नाउ वी हैव ग्रोन अप, वी हैव मोर थिंग्स टू फोकस ऑन, एंड डेटिंग और रिलेशनशिप इज नथिंग ऑन प्रायोरिटी अभी उसके लिए। तो मैं उसने ऐसा बोला था, मैं बोला ठीक है इट्स नॉट डेट, बट आई मीन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक इन माई लाइफ। तो ऐसा सीन था। फिर काफ़ी टाइम तक हम लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स रहे, मेरे काफ़ी दोस्तों को जानने लगी, उनके साथ मैं बात कराता था उसकी, और फिर क्या हुआ था, फिर ऐसा होने लगा कि जब मैं उसको कुछ मिलने के लिए प्लान बनाता था, कुछ भी करता था, वो अचानक से कैंसिल करना उसने शुरू कर दिया। मैं बोल रहा था ना कि अगर मैं उसको 10 बार पूछता हूँ ना, वो 4 बार हाँ बोलती है, 3 बार ना बोलती है और 3 बार लटकाती है, तब उसने ना बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। इन द मीन टाइम मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, आई रिमेंबर मैं कॉलेज का day 1 मैं कॉलेज घूमा हूँ, ठीक है, और मैंने तो घूमा ही है, लेकिन मैंने उसको वीडियो कॉल भी किया था, और मैंने उसको पूरा कॉलेज दिखाया था मेरा वीडियो कॉल पे। नेक्स्ट डे से ऐसा मैंने प्लान किया था कि चल मिलता है टाइप्स, बट हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसी साल कॉलेज में हमने एक ट्रिप मारा था, मैंने और मेरे दोस्तों ने, अजमेर का। तो मैं, विश्रुत, तुषान और नितेश गए थे, और यशदीप और सार्थक था, तो हम सब लोग दोस्त अजमेर गए थे। तो मैं अजमेर, तुम्हें पता है अजमेर इज़ राजस्थान, राजस्थान का यू नो पुष्कर फेयर है, तो पुष्कर फेयर में कल्चरल चीज़ें और ये सारी चीज़ें बहुत वो होती है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं उधर से मैंने उसको मैसेज किया कि मैंने बोला कि मेरे को मम्मी के लिए पर्स लेना है, तो कैसे टाइप का लूँ, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा ले वैसा ले। तो मैंने, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम आई एम लिसनिंग टू स्टोरी, एवरी टाइम यू विल गेट मोर डिटेल्स, तूने अजमेर वाला नहीं सुना होगा। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मेरे को बता मैं कैसा पर्स लूँ, तो उसने मेरे को बताया ये कलर ले, वो कलर ले, तेरी मॉम का ये पसंद आएगा ऐसा। मैं बोला ठीक है, तो मेरे को आइडिया आ गया कि उसका चॉइस कैसा है। तो मैंने ऐसे 2 पर्स लिया, एक आई गॉट फॉर मॉम, और दूसरा मैं लाया था, मम्मी पूछी ये किसके लिए लाया, मैंने बोला मम्मी मेरी दोस्त के लिए लाया, मम्मी बोलती है सही है यार। तो मैं वो पर्स लिया और मैं उसको उसके स्पेशली कॉलेज में गया था देने। सो वो थी सेप्ट में, और सेप्ट में विंटर एग्जीबिशन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21st of November 2019 was the date, एंड विंटर एग्जीबिशन था। तो विश्रुत का सेप्ट का एल्यूमिनाई था, मतलब काइंड ऑफ सेप्ट में उसने 1 साल किया था, फिर उधर से ड्रॉप ले लिया था। तो वो मेरे को लेके गया सेप्ट की, चल मैं सेप्ट जानता हूँ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो हम लोग गए उस दिन विंटर एग्जीबिशन में, और मैं उस लड़की से मिला, मैंने उसको वो गिफ्ट दिया, एंड
मैंने मतलब बात करने की कोशिश की, बात हुई हमारी, बट वो बोल रही थी कि उसका क्लास है, मतलब सेप्ट में कैसा रहता है, स्टूडियो होता है, डिजाइनिंग वाले NID NIFD वाले जो लोग हैं समझेंगे, स्टूडियोज होते हैं, उनके क्लासरूम्स नहीं होते, तो उधर वो दिन दिन रात रात ऐसे काम करते रहते हैं वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो वो उसने बोला कि मेरा क्लास है समवेयर अराउंड 7 बजे, मैं गया था 8 बजे उसका क्लास था, तो वो 7:45 को गई थी, ठीक है, उधर से मतलब मेरे को मिल के उसने बोला मेरा क्लास है, मैंने बोला ठीक है। तो सीन ये हुआ कि मैं और विश्रुत दोनों गए थे ना, तो विश्रुत थोड़ी देर के बाद वो बोला कि मैं अपने पुराने दोस्तों को मिल के आता हूँ ताकि मेरे को मतलब ताकि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले उसके साथ। तो विश्रुत चला गया उधर से, वो साइड में निकल लिया और मैं और वो खड़े थे। 5 मिनट बात हुई, फिर वो बोली मेरा स्टूडियो जाना है मेरे को, मैंने बोला ठीक है। और वापस आएगी तो उसने बोला कि हाँ मतलब अभी तो मैं स्टूडियो में ही हूँ, हमारा एक क्लास चल रहा, प्रोफेसर यहाँ पे खड़े हैं फैकल्टी। मैंने उसको ये बोला कि ठीक है मैं यहीं तेरे कॉलेज में ही हूँ, 10 बजे नहीं 9 बजे उधर महिला मंडल करके एक स्टैंड अप ग्रुप है हमारे प्रोफेसर्स का था, तो उनका स्टैंड अप कॉमेडी था, तो मैंने बोला कि मैं वो भी देखने आया हूँ तो वो देख लूँगा, तू तेरा लेक्चर ख़त्म करके आ जा, हम लोग साथ बैठ के जाएंगे स्टैंड अप शो में, उसी के कॉलेज में था वेस्ट में। उसने बोला चल ठीक है। तो 9 बज गए, मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि आ जा चल स्टैंड अप शुरू हो रहा है, तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे को लगा ठीक है चल अभी भी क्लास चल होगा। फिर एक सेकेंड, कहाँ था मैं, हाँ सो मतलब मैंने उसको मैसेज किया, वो आया ही नहीं, मतलब उसका मैसेज कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं बोला ठीक है 9 बजे 9:30 बजे फिर भी मैसेज किया, फिर आया ही नहीं, तो मैं बोला ठीक है बिजी होगी। 10 बजे शो ख़त्म हुआ, ठीक है 9 से 10 बजे तक का शो था, नहीं करना था डिस्क्राइब कौन है, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट था काम का था हर मैसेज, नो नो पागल हो क्या, इतना इतना भी अच्छा स्टोरी एंडिंग नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, तो मैं और विश्रुत खड़े थे 10 बजे उसके कॉलेज में, और मैं जाके उसके स्टूडियो के नीचे देख रहा था, तो मतलब उधर लाइट थी, तो मेरे को लगा ठीक है अभी भी काम ही कर रही होगी, मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल लग नहीं रहा उसका, आई मीन लग रहा है बट वो क्या बोलता है, रिंग जा रही है बट कोई उठा नहीं रहा, वैसा कुछ तो था। मैं बोला ठीक है, तो मैं 10:30 तक उधर था, ठीक है 10:30 तक वेटिंग फॉर हर, और फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई अब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मैं उसके कॉलेज में रात के 10:30 तक बैठा हूँ, फेस्ट ख़त्म हो चुका है, सब जा चुके हैं, वो जो परफॉर्मर्स थे मेरे प्रोफेसर्स वो लोग भी थे, वो लोग भी ऑलमोस्ट जाने वाले। तो मैंने बोला कि चल ठीक है मैं कॉल करता हूँ, इस बार मैंने कॉल किया, उसने पिक किया और मैंने बोला कहाँ है तू, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। उसने बोला ओ शिट अभी भी तू कॉलेज में है, आई थॉट तू शो देखने आया था और तू निकल गया होगा, और मैं भी अभी ऑलमोस्ट घर पहुँच चुकी हूँ, मैं रास्ते में थी, मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि घर से भी कॉल आ रहे थे, लेट हो रहा था, तो आई एम सो सॉरी यार। तो मैंने बोला तू अब बोल रही है मेरे को, तेरे पास फ़ोन है, तूने अब कॉल उठाया तो उसी फ़ोन पे तू देख सकती है कि मैं तेरे को इतना कॉल किया है, इतने मैसेजेस किए हैं, मैं तेरे कॉलेज में आके बैठा हूँ 7 बजे से रात के 10:30 तक, तेरा कॉलेज खाली हो चुका है, मैं उधर खड़ा हूँ, ठीक है, और तू बोल रही है कि मेरे को लगा कि तू शो देखने आया है। बोला शो, वो मेरे प्रोफेसर्स है, उनका वो सेम शो, वो सेम स्टैंड अप बिट मैं 2 बार पहले जाके पैसा दे के देख चुका हूँ, तो मैं वो देखने तो नहीं आया था। और फिर मेरे को इतना हार्ट ब्रोकन फील हुआ, मैंने बोला कोई मतलब, एक तो तू जब मैं तेरे को मिलने आया था तू क्लास के बहाने मिली नहीं मेरे को ढंग से, है ना, और जब मैं 10:30 को वेट कर रहा हूँ और तू जा चुकी है, तू यू डोंट इवन केयर टू टेल मी, चल मेरे को एटलीस्ट मैसेज कर कि जय मेरे को जाना पड़ेगा घर से कॉल आया, ठीक है परफेक्टली अंडरस्टूड, जाओ
बट बता तो सही, ये भी मेरे को तू तब बता रही जब मैंने कॉल किया तेरे को, और वो भी इतने टाइम बाद। तो भाई ये स्टोरी था। उसके बाद तो मेरे को बहुत सैड फील हुआ, विश्रुत भी बहुत सैड हो गया मेरे लिए, और मैं मतलब ऐसा चुप हो गया 2 दिन। मैं जो बंदा डिवाइन सुन के कॉलेज जाता था बस में, मैं जो गांधी मनी सुन के जाता था, नेक्स्ट 2 दिन बहुत सैड सॉन्ग सुन रहा था मैं। मेरे दोस्त लोग जानते, अगर मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बताया कैसा था, मैं एकदम ऐसा प्रैक्टिकल जोकर था, मैं ऐसा कुछ भी फनी हरकतें करते रहता था, लोगों को हंसाते रहता था, मस्ती करते रहता था, वैसा बंदा अचानक चुप हो गया है। ऐसा मेरे को लोगों को हिलाना पड़ रहा है ऐसा, तब मैं जोन आउट होके ऐसा उसमें से बाहर आता हूँ, जोन आउट वाले फेस से। भाई ऐसी हालत हो रखी थी मेरी। तो ये थी वो मेरी कहानी की जिसके पीछे मैंने 8 साल लगाए, वो एंड में उतना अच्छे से अच्छा क्या, एकदम खराब ही वो हुआ आउटपुट। बट वो 8 साल में मैंने किसी और को देख मुड़ के नहीं देखा, फिर भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए उसके बाद भी। तो बट मैं वो गाने सुनता था, मैं मर जाऊंगा फिर भी ना देखूंगा मुड़ के तेरा शहर। इट्स ओके। फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, मतलब टाइम लगा मेरे को, बट उस दिन एक अच्छी चीज भी हुई। जब मैं सेप्ट में था तो मेरे वो जो प्रोफेसर्स थे उनकी भी एक मार्केटिंग कंपनी थी, तो मेरा उनके साथ नेटवर्किंग हुआ, और उनका एक दोस्त था जो एक एस्ट्रोलॉजर था, तो टेक्निकली वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था कंटेंट में, मैं जो अभी करता हूँ वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, प्रियल नाम था। एंड उस एस्ट्रोलॉजर के लिए मैंने और विश्रुत ने थोड़ा कंटेंट बनाया, और एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को ये रिंग दिया जो मैं आज तक पहनता हूँ। दिस इज द मून स्टोन जो टेम्पर कंट्रोल में करता है। आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, बट नाउ आई हैव लर्नड दैट एंगर इज नेवर गुड फॉर एनी वन। भैया प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। पढ़ाई हो गई भाई मेरी, यू माइट बी रिग्रेटिंग नाउ, आई डोंट नो। आई मीन फिर सीन ये हुआ कि बहुत टाइम तक हमारी बात नहीं हुई, पर कभी ऐसा नॉर्मली एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश कर देते थे, ऐसा कुछ तो होता था। फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रीमिंग में मेरा सीन थोड़ा ब्लो अप हो गया, मैं 3K से सीधा 10K पहुंच गया, 10K से वो ऊपर पहुंच गया। फिर मेरे को न्यू लोगो बनाना था, और वो डिज़ाइन कर रही थी, ठीक है, वो डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो मैंने बोला अब तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं, क्लाइंट हूँ तेरा, ऑर्डर मानेगी तू, इसलिए मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला हाय तू डिज़ाइनर है ना, मेरे को एक न्यू लोगो बनाना है। तो उसको बुलाया, ठीक है, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर पूरा ब्रीफ किया कि मेरे को कैसा डिज़ाइन चाहिए, कैसा लोगो चाहिए, और फिर उसके साथ डिस्कस किया, उसने काफ़ी इनपुट्स दिया, और फिर मैंने बोला कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। आई सेड आई डू इट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक, आई एम नॉट लाइकिंग वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया है। एंड दैट इज वेन आई मेड दिस लोगो खुद से, आई शो यू। भाई मेरा लोगो है किधर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम से लोगो नहीं देखा। तो मैंने तब ये 2D लोगो बनाया था, एंड उसके बाद एरो ने मेरे को ये लोगो को 3D करने में हेल्प किया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, काइंड ऑफ वही सोचा था। बट फिर हम लोग ऐसा फिर वापस कि हाँ ठीक ही है, मतलब दोस्त तो है ही। हाइड्रा से इंस्पायर्ड है, आई वुडेंट से हाइड्रा से इंस्पायर्ड है, द रीजन बीइंग ये मैं कहूंगा रिहानी से इंस्पायर्ड है। रीजन बीइंग मेरा पुराना लोगो था उसमें ट्रायंगल्स बहुत थे, एंड मेरे को जो शेप की थियरी होती है ना, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, यस आई नो अनु, आई होप यू हैड अ क्रेजी बर्थडे, क्या किया ये बताओ मेरे को। थैंक यू फ्रेश टॉमी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, पूरा रूम नियॉन कर दूंगा मैं। अभी भी फ्रेंड है वो? हाँ अभी भी फ्रेंड है। तो
फिर ऐसा नॉर्मल फ्रेंडशिप जैसा था, कभी कभी ऐसा नॉर्मल बात करते थे, काम का बात कर लेते थे, कभी ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी का बात कर लेते थे वैसा। बट देन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम्हारा प्यार चाहे कितना सच्चा हो, चाहे तुमने कितना टाइम लगाया हो, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फॉल फॉर द रॉन्ग पर्सन। वी वरंट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। हम दोनों का थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं होता था। सुहाना रुक जाए यार, आज ये वाली स्टोरी बता रहा हूँ जो इतना डिटेल में तुमने कभी नहीं सुनी होगी। कुछ मिस किया क्या? हाँ, मेरा ऐसा ट्रूएस्ट लव स्टोरी येट, 8 साल का। व्हाट इफ शी कम बैक्स, वुड यू? नॉट पॉसिबल एनी मोर, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं, तुम ये समझो कि 8 साल मेरे को उसके लिए बहुत लगा होता, एंड उसके अलावा किसी लड़की को भी नहीं देखा। बट वो एक जो विंटर फेस्ट हुआ ना, उसके बाद मेरा जो मन उतर गया, तो एक बार अगर किसी पे से मन उतर जाता है ना, वो वापस नहीं आता। तो ही हैड ऑल द क्वालिटीज यू वॉन्ट इन अ गर्ल, राइट? यस। बट फिर वो चला गया। 11 साल के थे तब से क्रश। हाँ, साल याद नहीं है बट मेरे को 5th क्लास याद है। तो 2 साल पहले से, 2 या 2.5 साल हो गए इस बात को कि मेरे को उस मन पे से उतर गई वो। लाइक मैं उसको अभी भी फ्रेंड की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी कभी कभी बात हो जाती है। बट अब वैसा कुछ नहीं है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी हुआ था बहुत बचकांड हुआ था, और बचपन में हुआ था, मेरे को थोड़ा ज़्यादा हुआ था। ठीक है नन्या, अटेंडेंस मार्क्ड है तेरी। हाय आशी, डेयर रिवील योर फोन नंबर। नो। एंड फिर लिटरली मैंने यही सोचा था कि मैं थोड़ा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी करूंगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। अगर तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हारा कोई तुम्हें लगता है सबसे बड़ा दुश्मन है, और तुम बहुत टाइम से उसके कांटेक्ट में नहीं हो, और तुम लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और वापस तेरे को जब वो दुश्मन मिलेगा ना, वो दुश्मन की भी अलग लाइफ है। तो दुश्मन अप्रिशिएट करेगा कि हाँ भाई, तूने तेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, मैंने भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। वैसा तो जलन नाम की चीज़ नहीं होती ऐसी ऐसे टाइम पर। नाम है उसका, फर्स्ट लेटर बता दो। नोप। जीटीए नथीराम तो भाई कितनी बार की दो रुद्र। कल मैं जीटीए खेलूंगा। बस मैं जीटीए इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि मेरे को वो खेलना है, जीटीए आरपी। इट्स हर चॉइस। एग्जैक्टली भाई, उसका चॉइस मैं नहीं था। हालांकि उसका चॉइस चॉइस कुछ कोई और भी नहीं था एट दैट टाइम। अभी हो तो पता नहीं, आई नेवर आस्क। बट ठीक है, तेरा फोन नंबर मिलेगी क्या? फ्रेश टॉर्मी अमेरिकन इनकमिंग में थोड़ा पैसा लगता है। माई क्रश इज 6'3" एंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब नहीं करूंगी प्रपोज तेरी स्टोरी सुन के। बट यू नो वॉट, डेटिंग योर बेस्ट फ्रेंड कुड बी द बेस्ट एवर रिलेशनशिप यू विल एवर हैव। इंतकाम दिखाने का टाइम आ गया, फिर यूपीएससी का सिलेबस देखा। नहीं नहीं यार, बट मैं तो बहुत बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया उसके बाद। उसी मतलब शी यूज टू बी द वन जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करती थी और मेरी सक्सेस सेलिब्रेट करती थी। बट उसके दिमाग से उसके उसका ऐसा नहीं होगा कुछ कि हाँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि ये लड़का फेल हो लाइफ में। या उसका ऐसा भी नहीं होगा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ या मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मतलब नफरत ही करूँगी। बट शी इज़ लाइक, हाँ यार, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, मतलब फक मैन। तो शी इज़, शी गेट्स हैप्पी अबाउट माई सक्सेस, आई गेट हैप्पी अबाउट हर सक्सेस। बट नो फीलिंग दैट ऑल। आज का दिन कैसा गया? बहुत स्ट्रेसफुल भाई, मत पूछो, इसलिए आज चैटिंग कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज मैं अपने बेस्टी के साथ हूँ रिलेशनशिप में, प्रेयर्स के साथ। समटाइम्स प्रपोजिंग योर बेस्ट फ्रेंड कैन टेंड टू लूज योर फ्रेंडशिप टू। आई मीन तनिका, इफ यू नो दैट ही डजेंट लाइक समवन एल्स, एंड इफ यू नो दैट ही मेक्स यू फील लाइक होम, एंड ही पुट्स एक्टिव एफर्ट्स इन मेकिंग श्योर दैट ही डज दैट प्रपोजल। रेड लाइव इंसान स्ट्रीम, नो कैन डू। व्हाई लीक्स? तू तो मेरे को कोई रशियन बंदा बोल रही थी, है सुहाना? मैं तो रैंडम रैंडम गेस किया, आज तूने बोला तब मैं समझा। शी इज नॉट इंटरेस्टेड यार, वही तो। इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो वाई वाई कीप एंकरिंग योर सेल्फ? दैट रिलेशनशिप कुड बी द एंड ऑफ फ्रेंडशिप टू। आई डोंट थिंक सो। मेरा उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप एंड नहीं हुआ। हाँ, उतना हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग सर्कल्स में है,
इसीलिए हमारा बात नहीं होता. मे बी दैट्स वाई वी आर नॉट वेरी क्लोज एनीमोर. बट आई एम प्रिटी श्योर अगर हम लोग साथ होते तो अभी भी साथ होते आज दिन, सेम स्कूल सेम कॉलेज वैसे होते तो बहुत अच्छा रहता लाइक हमारा दोस्ती. इफ योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ गर्लफ्रेंड एंड यू कांट गेट ओवर योर बेस्ट फ्रेंड, अगर तेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है उसके ब्रेकअप तक उसको ये मत बताना कि तेरे को वो पसंद है. चाहे वो तुम दोनों के लिए भले ही बेस्ट चीज़ हो, बट अगर तूने ऐसा बोल दिया तो तेरे बेस्ट फ्रेंड के दिमाग में इतनी बीटी होगी कि वो चूज़ नहीं कर पाएगा तेरे और उस लड़की के बीच में. शायद तुम दोनों का दिल टूटे या किसी एक का तो टूटेगा, या तो किसी की दोस्ती टूटेगी. मैं आज जो हेडेक हो रहा था बारिश में भीग गया था बाद में. क्या बात कर रहा है ट्राइडेंट, अगली फेस हार्ट बाय किंग, किंग बाय हार्ट. हाँ किंग बाय हार्ट. एड्रेस बताना कभी आएंगे दुर्लीन, अब तो डर लगता है एड्रेस बताने से. ट्यूशन में अब एक लड़की, आज एक लड़की ने क्यूट बोला नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट मैंने सुना उससे नहीं पता था कि मैंने सुना और उसके फ्रेंड सर्कल में मेरी बात हो रही थी. सो वट टू डू नेक्स्ट, आई थिंक शी हैज़ क्रश ऑन मी. देख मैं मेरी एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आई हैव हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस फ्लर्टिंग विद गर्ल्स, इट्स जस्ट दैट रिलेशनशिप्स डोंट वर्क फॉर मी, फ्लर्टिंग वर्क्स फॉर मी. तो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी नाइस एंड बी सेंसिबल अबाउट लाइफ इन जनरल. ठीक है, बी सेंसिबल अबाउट पीपल इन जनरल एंड गो टॉक टू हर. क्योंकि अगर वो तेरे को क्यूट बोलती है एंड यू नो, तो वो शायद तेरे को डेट के लिए आस्क आउट करना चाहिए उसको, बट शायद वो ना करे. मे बी यू कैन गो आस्क कर आउट फॉर अ डेट, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं कि हाय आज डेट पे चलता है, वैसा नहीं. गो टॉक टू हर, फिर वो कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा यू नो फ्रीक्वेंट हो जाए वैसा कर. एंड दैट इज़ ओनली इफ यू बोथ आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू ईच अदर. अगर तुम्हें ऐसा वियर्ड लगता है ना कि यार टाइम नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम हो, मतलब अभी तो 5 मिनट ही हुए बात करते करते, तो यू आर नॉट द परफेक्ट कपल. इट देन मे बी आस्क हर आउट कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, चल चलते हैं खाते हैं, या ट्यूशन के बाहर कहीं कुछ खाने की चीज़ होता. आर यू पानी परी बिकॉज यू आर माई फेवरेट स्नैक, यू नो यू आर द रीजन वाई योर बॉयफ्रेंड स्टॉप वॉचिंग माई स्ट्रीम्स. बाकी यूज टू बी अ वेरी 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 लॉयल व्यूअर. अरे हाय भावेश, यूट्यूब फर्स्ट से लेके अभी तक का स्टोरी बताओ ना. फर्स्ट से लेके अभी तक का तो एक्सक्लेमेशन मार्क सेटअप लिखो उस वीडियो में, मैंने पूरा स्टोरी बताया. इट्स सैड वी आर हियर फॉर यू, डोंट कांट गिव मच एडवाइस लाइक अदर्स हियर सिंस आई हैव नो एक्सपीरियंस विद रिलेशन, आई कैन अंडरस्टैंड फील. आई मीन वो जो फीलिंग थी, ये जो चीज़ हुआ 8 साल का कि मैंने बहुत सारा आस्क आउट किया और बहुत बार मेरे को रिजेक्शन मिला, उससे एक फ़ायदा हुआ. आई यूज टू गो टू हर एंड से कि हे आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर, शी विल से नो आई हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन. तो मेरे को लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर, तो आई यूज टू कम बैक वर्क ऑन माई सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करो, कुछ नया स्किल सीखो. फिर मुझे लगता कि हाँ अब मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वापस जाता था, वापस आस्क आउट करता, वो वापस मना करती. फिर मेरे को लगता था कि नहीं यार अभी भी कुछ गलत है, मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ, शी डजेंट डिजर्व मी, मतलब शी डिजर्व्स बेटर, वैसा. तो मैं वापस खुद पे काम करता. ऐसा तीन चार बार किया और फिर मेरे को भले उसके साथ उस लेवल पे नहीं आया मैं, बट शायद मैं उसके डिजर्विंग लेवल से ऊपर चला गया खुद के वर्क करते हुए. या तो हम दोनों कंपैटिबल ही नहीं था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट दैट हैज़ हेल्प मी शेप अप एज अ पर्सन. मैं बचपन में बहुत सॉरी गाली दूंगा बट क्यूटिया बच्चा था, क्यूट तो था ही लेकिन क्यूटिया भी था. तो मैं अब ऐसा मेरे को जेंटलमैन बनाने वाला जो फेस था ना, वो वही था. टू बी नाइस फॉर हर आई बिकेम नाइस फॉर माई सेल्फ. लास्ट फटफड़ता हूँ ना, मेरी वजह से नहीं स्टार्ट प्लेइंग एन अमेरिकन गेम नेम पिकल बॉल, वो गुजरात में टॉप 5 में आता है तो 6 घंटे देने पड़ते भाई साहब. I was feeling so proud when you came to playground. I used to watch during COVID times your amical bits and CSGO. Thank you, and Zilex. Thank you. Everything happens for good. I agree. उसके बाद भी ऐसा बहुत heartbreak हुआ. एक डेढ़ heartbreak हुआ. But हाँ मेरा जिसके साथ नहीं actually 2 heartbreak हुआ. ढाई. एक मुझे पता नहीं है कि नहीं है हार्ट ब्रेक, शायद तब होगा, अब मेरे लिए नहीं लगता.
तुम लोग के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि तुम लोग को रोना आ गया स्टोरी सुन के। आशी नहीं क्यूटी है, हाय अंशु। अनुष्का, तड़प तड़प के इस दिल से आ फक मी डैडी निकलती रहे। अनुभव भाई रुको यार, स्पैम मत करो यार, यू जेन्युइनली फेल्ट बैड। आई मीन आई डोंट फील बैड अबाउट इट एनीमोर, आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंड। और भाई कैसे हो भाई, बहुत मस्त लव स्टोरी थी, थैंक यू ईशान भाई। आजकल टोशी जैसे अच्छे लोग कम मिलते हैं। अब मैं बोलूँ ना, पहले मैं ऐसा हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता था, मैं ऐसा बहुत लॉयल था। अब मैं समझ चुका हूँ, मेरा तीन हार्ट ब्रेक होने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि भाई प्यार वार धोखा है, फ्लर्ट कर ले बेटा, सिंगल रह के मौका है बस। शादी कब करने वाले हो? 28 साल का हो जाऊंगा तब। कल वीडियो आने वाली जैक भाई आपके रिएक्शन की भी। अच्छा हाँ, यस यस, ओम कुशवाहा तेरे गाने की। मैं सोच रहा हूँ वो लड़की को तुम जानते हो क्या, तुम वीडियो भेजोगे उसको? इट्स नॉट माई स्टोरी हैपनिंग विद क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई एम वरी अबाउट हर। कई बार है ना, चुप रह के मूव ऑन करना भी अच्छा डिसीजन रहता है। अगर उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप में ना होता तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड टॉक, बट अगर रिलेशनशिप में, लेट्स नॉट रुइन दैट रिलेशनशिप। है क्रैज भाई, कल वंशत से शाउट आउट मांग रहा था, आपने नहीं दिलवाया? कोई नहीं विपुल भाई, कल सब वंशत से शाउट आउट मांग रहे थे। कल कोई ये नहीं पूछ रहा था कि टोस्टी भाई आप मुझे एक शाउट आउट दे दो। मेरा दुख तो समझ रहा भाई, दुख तो सबको होता है ना भाई। ऐसे बंदे के हार्ट ब्रेक्स क्यों होते हैं पता है? ऐसे बंदों के हार्ट ब्रेक्स होते हैं फिर वो मेरे जैसे हो जाते हैं हरामी, जब ऐसा मोटी चमड़ी हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा मोटी चमड़ी हो गया हूँ इस चीज को लेकर, और जो लोग मुझसे भी ज्यादा मोटी चमड़ी के हो जाते हैं वो फिर तुम्हें पता है कैसे बॉयज कहलाते हैं। भाई वाईटी की स्टोरी कहाँ मिलेगी? एक्सक्लेमेशन मार्क सेटअप लिख, सेटअप टूर है मेरा, उस पर मिलेगा। छपरी कौन? छपरी बॉयस नहीं, एफ बॉयस। फिर वो प्यार व्यार भूल जाता है, फिर वो एक ही चीज करता है। एट दिस पॉइंट आई रिमेम्बर क्योंकि दिल तो सबका टूटता। ये उदित का चैनल नहीं है बाय द वे। हाउ टू फ्लर्ट विद अ गर्ल, आई थिंक being very nice and making her laugh is the best way you can flirt with her. Don't go out of your way to be nice to her. Be genuine but be nice. Tushi bhai mujhe playground ki awaaz mein shout out do. Playground ki awaaz mein? It's Bhavesh. Please apna mic pehen lijiye. Sare contestants activity area jaye. It's Bhavesh. आप सुन रहे हैं? Are you virgin? Yes, I am a virgin. Yes, that's true. Shout out दे दो मेरे को कोई इंटरेस्टिंग बाय। Hello, Agrio 77. That was so embarrassing when she said कि तू भी अभी कॉलेज में है। क्या टोस्टी भाई, ऐसा नहीं बोलना कि you are best, shout out दे दो। ओम कुशवाहा, shout out to you. उदित और वासु और हर्ष और अदित और वंशत बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इनमें से मेरा कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन मेरे लिए ये है कि जिससे मैं हर रोज बात करूं, या तो 6-6 महीना बात ना करूं लेकिन जब भी मिलूं तो मेरा बॉन्ड उसके साथ वैसा ही रहे। तो ऐसा एक बंदा है सरकार और एक तोशान विश्रुत भी। हाँ तो ऐसे 3-4 लोग हैं जो मैं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे लोगों को मैं यू नो कभी भी कॉल कर सकता हूँ, कभी बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इफ आई विल कॉल अदित वासु वंशज। सरकार, हाँ सरकार है भाई, मेरे को भी बेस्ट फ्रेंड पसंद है, वो अलग बात है, वो 3 साल बड़ी है। भाई मेरे साथ ऐसा भी हुआ है पता है, आई हैव ऑलवेज बीन इन टू गर्ल्स एल्डर माई एज। मेरे को हमेशा से, ये जो लड़की की बात थी वो मुझसे 1 साल बड़ी थी बट मेरी क्लास में थी, मेरे को हमेशा से मेरी एज से बड़ी लड़कियाँ पसंद आई है। तो एक बार मेरे को मतलब ऐसा, क्योंकि मैं बचपन से ना, मेरे सारे दोस्त मुझसे 2-3 साल बड़े थे। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को आंटियों में इंटरेस्ट, ऐसा नहीं, 2 साल बड़ी इसलिए क्योंकि मेरा माइंड उस लेवल पे चल रहा था।
मैं हमेशा से 2-3-4 साल बड़े दोस्तों से के आजू बाजू रहा हूँ, तो मेरा दिमाग और मेरा यू नो मैं खुद, मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा मैच्योरिटी दोनों ही थोड़ा फास्ट ग्रो हुआ है। और यू गाइज नो आई हैव बीन वेरी अनलक्की विथ लव, बट आई हैव हैड गुड मोमेंट्स विथ विद द पीपल आई यूज टू लाइक, तो आई चेरिश दोस मेमोरीज, नॉट किसेस, नॉट एनीथिंग सेक्सुअल, नथिंग बट गुड प्योर मेमोरीज। आयाशी आज इग्नोर नहीं कर रहा, आज मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरा थोड़ा दिल का दरिया बह गया। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स प्ले करो, कोई बात नहीं, कॉपीराइट भी आएगा तो। डू यू फ्लर्ट गर्ल्स लाइक यू फ्लर्टेड विद आरजे महवेश? ना ब्रो, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, आरजे महवेश मेरे को बहुत पसंद थी, बट स्टोरी इज डिफरेंट नाउ। सम पीपल यू रियली लव ऑन सोशल मीडिया, बट व्हेन यू गेट इन पर्सन विद देम तुम्हारा केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं रहता। बट ऑन द अदर हैंड सम पीपल यू रियली लव on social media and they turn out to be even better in person. For example, all the mentors. Suhan, आज मैं Spotify का recommendations को ज़्यादा trust करूँगा। आप Insta में story नहीं देखी मेरी, mention किया था। जहान भी, अगर आपने private account से mention किया है और मैं अगर आपको follow नहीं करता हूँ तो मेरे को story नहीं दिखता। Just my two cents, कि अगर किसी को mention करो next time story में से, तो मेक श्योर आपका अकाउंट पब्लिक हो। आपको आपसे 2 ईयर्स बड़ी लड़कियां पसंद है? मेरे को 3 तक पसंद है। I've liked a girl who's 3 years elder to me, बट सैड चीज ये है कि वो ऑलरेडी कमिटेड थी। ट्रैक पे जाने का क्या प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है भाई। मैं ट्रैक वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बीचेस वाला बंदा हूँ। मैं अपने स्पॉटिफाई की बात कर रही थी। तू मेरे प्लेलिस्ट, मतलब तू बजाने को बोल रही है क्या? तेरे स्पॉटिफाई पे भी, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं रैंडम अभी एक गाना बजाया था मैंने 5 माइल्स के, उसी के बेसिस पे सारा रिकमेंडेशन बज रहा है। और आज ऐसे म्यूजिक के साथ स्टोरी भी सेंस बना रही है। You're such a genuine person, Jay. This was actually the first thing that I really noticed and admired. Please don't lose it. That's actually hard, but I guess that's why not everyone. Kya? Now every why not everyone is like that. Thank you, Swabi. Itna detail mein jaati hai na tu. Mujhe bahut pasand hai. I love people who are very keen observers. Bhul to nahi gaya mere ko Nike Regenix. Bhaiya ye Harshika pe crush aa gaya hai. हर्षिका कौन? हर्षिता भाई, नाम तो ठीक से ले ले, क्रश कैसे करेगा? क्या हो गया याशी और हर्षल धूले गैंग, क्या बातें चल रही है? बाय स्कल, अभी महाराष्ट्र आओ बारिश में घूमने। ठीक है, एक्चुअली आया हूँ मैं, जब गोवा जा रहा था तब मुंबई में बारिश थी। लव डजंट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ फॉर दोज हू फेल्ट मेजर हार्ट ब्रेक इन देयर लाइफ। आई थिंक अब मेरे को वो फीलिंग नहीं आता है, फीलिंग ऑफ लव जो पहले आता था। आई मीन एज अ पर्सन आई एम समवन हु इज वेरी वार्म एंड कोजी, लाइक मैं दोस्तों के साथ अलग हूँ, बट फॉर समवन आई रियली लाइक आई एम वेरी वार्म एज अ पर्सन। तो मेरा ऐसा माई लव लैंग्वेज वुड बी यू नो ऐसा वार्म्थ, नथिंग जस्ट यू थिंग। आई सारा वेलकम टू द स्ट्रीम। सारा मेरा स्ट्रीम है ना, 15 मिनट्स रिवाइंड करके देखना आफ्टर द स्ट्रीम इज डन। मेरा 8 साल लंबा ट्रू लव वाला स्टोरी बताया मैंने तुम। उसके बाद आप और मैं सेम है भाई, फ्रेंड्स आर बेस्ट, आई एग्री। व्हाट इफ प्लेग्राउंड में एक भी झगड़े नहीं होते तो शो और भी ज्यादा अच्छा होता।
मसाले नहीं होते, थोड़ा व्यूअरशिप कम होता, बट शो का लेवल अच्छा होता। जो थोड़ा सा वल्गर बन गया शो, थोड़ा सा क्या, बहुत वल्गर बन गया शो, बहुत वो बन गया ना, वो नहीं होता। आई डिड लिसन, तुम मैसेज नहीं देखे, आई नो शी इज 96 वॉचिंग थी। ओ माई गॉड, मैंने वॉचिंग का नंबर भी नहीं देखा, पता है, वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट माई कैमरा, रिमेंबरिंग द मोमेंट एंड देन सेइंग इट। आज समृद्ध दीदी को इग्नोर नहीं करे तो मेरे को कर रहे भाई, ऐसा मत बोलो, सुन लेगी तो मारेगी मेरे को। मेरा तो पब्लिक अकाउंट है, मैंने नहीं देखा जानवी, क्योंकि मेरे, देख मेरे इसमें ना ऐसे दिखाता है, फिर कोई नोटिफिकेशन आता है ना इधर, स्टोरीज दिखाता है, तो मेरे को अभी कोई स्टोरी नहीं दिखा रहा है। ये देख, कोई स्टोरी नहीं दिखा रहा है। भाई नेम ले लो, रहीब, लव फ्रॉम बांग्लादेश, बैड बेस्ट रहीब, लव यू मैन। भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मे बी इंस्टा के सस्ते नशे हो सकता है। एट व्हाट एज डू यू थिंक प्लान फॉर हैविंग चिल्ड्रन? खुद चिल्ड्रन हूँ यार, मैं खुद चिल्ड्रन हूँ, बट इफ इफ चिल्ड्रन देन आफ्टर 30। एनी प्लान फॉर हायर एजुकेशन? नहीं, नॉट फॉर नाउ। लाइफ में लगेगा कि अब और ज्ञान लेना है तो ले लूँगा, तब तक थोड़ा ज्ञान टेस्ट करूंगा मेरा। तो सी सिक्योर मिति, थैंक यू, रिश्ता भेजो इंस्टाग्राम डीएम पे। आई मिस द लास्ट हाफ आवर, संगमी संगमी संगमी, वो स्टोरी तो सुनना ठीक है आफ्टर स्ट्रीम, अब बहुत ईमो स्टोरी है। फिर तेरे को वो अफवाह आती थी पता है एम्प्टीनेस के बाद, कि राहुल रोहन राठौर करके एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी क्रश के लिए ये गाना लिखा था और फिर सुसाइड कर लिया था, बस वैसा फीलिंग होगा। बट मेरे स्टोरी में सुसाइड नहीं है, हैप्पी एंडिंग है। रिश्ता भेज रही हूँ तुझे इंस्टा पे, भेजो भेजो, माय मॉम हैज़ टू एक्सेप्ट। बेचारे के सब इमोशंस बाहर आ रहे थे। तूने मेरे जाना कहा नहीं माना, इश्क मेरा दर्द मेरा। सेटअप टूर देख के आया, अरे सईदाना थैंक यू। व्हाट्स योर हाइट एंड वेट? आई एम 6 feet, माय वेट लास्ट आई चेक्ड इन प्लेग्राउंड वाज 55। हर्षिता इज लाइफ, सही है यार, जाके एंजॉय करो उसका स्ट्रीम। मॉम को कैसी लड़की चाहिए? जो मेरे को चाहिए वैसी। यू इवन सेइंग अमेजिंग मैन, थैंक यू सारा। ये जानवी, तोश भाई मेरा फोटो डाल स्टोरी पे, फिर लिख डीएम फॉर रिश्ता, देखे हाउ मेनी रिश्ता डू आई गेट। भाई मैं मेरा फोटो डाल के भी लिखूँ ना डीएम फॉर रिश्ता, तो ये जो गिनी चुनी 100-200 लड़कियां है वही रिप्लाई करती है, और कोई नहीं करता। एस्थेटिक और मैंने कनिष्का द बेबी ड्रैगन क्यूडी, कनिष्का उवू की अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो कनिष्का है। मेरे को ये लाइट मजेंटा करने वही बोलती थी, जब से ये ली है मैं ब्लू रखता था, कनिष्का के रोज स्ट्रीम पे बोलती थी मजेंटा एस्थेटिक। यू नो वॉट, उस दिन लेट नाइट जब तूने बताया था स्टोरी, तब तो कुछ ज़्यादा ही मस्त बता रहा था, प्योर पूरे इमोशंस के साथ। आज मेरे को लगता है मैंने आज बेटर बताया, बट तूने वो स्टोरी सुन रखा था इसलिए मे भी तू वापस सुनेगी तो इसलिए तेरे को शायद वो फीलिंग नहीं आया। एक बार एकदम मूड में कुमारी, ट्राइडेंट कुमारी, हर्षित रंजन, गेम खेलने का है कि नहीं तुम बताओ? 1.5 घंटा तो बातें बतिया लिया हम, मैं अभी गेम खेलूंगा ऐसा पुचुक करके वॉचिंग गिर जाएगा। एलियन गेमिंग, क्या आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। यस एलियन भाई, मैं वही सुहाना से बात कर रहा था यार, एलियन को मिस करता हूँ मैं, बिचारी के कारण तूने स्ट्रीम देखना बंद कर दिया, ऐसे सैड नहीं होते मेरे भाई, वेरी हैप्पी फॉर यू। ट्राई करना है क्या गेम खेल के? लास्ट हाफ आवर क्या हुआ? दिल दिया गया है, दिल की बातें की गई है। हाय आकांक्षा, शाउट आउट टू यू।
कांशा उइके मेरा गेम प्ले देख कर क्या लगता है रेबल को हरा सकता हूँ कॉडम में? आराम से कंपीट कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, बट टीम चाहिए। 1v1 मे बी रेबल एज अ हायर चांस। पबजी में न्यू मैप आया ट्राइड, पबजी पीसी में मिस दिल की बातें कोई ना संगमी, दिल बहुत बड़ा है बहुत बातें करेंगे। उसी समृद्धि को रोस्ट करो, समृद्धि मेरी ऐसी व्यूअर है, छोड़ो हाँ चलो, समृद्धि मेरी ऐसी व्यूअर है जिसको मैं सामने से इतना अटेंशन देता हूँ, वो एकलौती ऐसी व्यूअर है जिसको मैं बोलता हूँ कि समृद्धि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड यू आर वन ऑफ माई फेवरेट व्यूअर्स, मैं कभी तेरा चैट जानबूझ के इग्नोर नहीं करता हूँ। तो समृद्धि वो अकेली ऐसी व्यूअर है जिसकी मैं तारीफ भी करता हूँ ना तो वो तारीफ साइड में रखती है और वो सिर्फ यही बोलती है कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो समृद्धि ऑलवेज सीज द नेगेटिव्स, मैं पॉजिटिव। रैंक कॉल ऑन ट्रिगर्ड इंसान, भाई घर से उठवा दोगे तुम मेरे को। सिंस व्हाट टाइम डू यू थिंक आई हैव बीन वॉचिंग यू? हर्षित रंजन सीएस के टाइम से तरीके। रैंक कॉल ट्रिगर्ड इंसान ना, हटेगी मेरी। वाइट लिस्ट मिला पता नहीं रुद्र, चेक करना पड़ेगा। आज नहीं करते कल करते, आज थोड़ा सा वाइब वू हो गया तो उसको दागड़ दल्ली मादे बच्चे नहीं कर डालते। लुकिंग ग्रेट थैंक यू, मेरा रोस्ट कर दो और बुरा। हाँ भाई समृद्धि और बुरा करता हूँ ना, चैट मिस तेरा नाम है ना, नाम चेंज करके चैट मिस अग्रवाल कर दे तू। मैं तेरे चैट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट तेरे को खाली चैट मिस ही लिखना याद आता है। कभी थैंक यू टोस्टी नहीं बोला है तूने मेरे को, मैंने इतनी तारीफ किया तो कभी नहीं। अब ये बोलेगी कि थैंक यू टोस्टी लिखा था लेकिन तूने वो भी चैट मिस कर दिया। इवन रिमेंबर मी, यस एबल आई रिमेंबर यू ब्रो, आई रिमेंबर यू एबल मैनेजेस मैनेजेस। ओ भाई फर्स्ट टाइम मैंने तेरा शायद नाम सही से लिया। मेरे को रोस्ट करके बताओ, बाद में मनाना पड़ेगा बस। मेरे को रोस्ट करना है गुरलीन कौर। गुरलीन कौर इज सो स्मार्ट दैट शी बोज डाउन बिफोर ईटिंग अ बर्गर किंग बर्गर। हाय जानवी यू रिमेंबर मी? यस रुज्जू भाई। उसी प्रेडिक्शन, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रीम? निधि भारद्वाज, जब तक है जान जब तक है प्यार। समृद्धि ममा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। मेरे को भी तेरे को भी रोस्ट करूं? चलो ठीक है। अनुष्का गुप्ता इज वन ऑफ सच वेरी एक्टिव व्यूअर्स जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, एंड अगर कल उठ के अनुष्का गुप्ता मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा। And that's a roast because Anushka, I know almost every one of the active viewers because उन लोगों ने मेरे को कभी कहीं ना कहीं you know अपने बारे में कुछ बताया है या उन्होंने मेरे से Instagram पे कभी बात की है, but Anushka Gupta is very active on YouTube chat, has no profile picture and always keeps talking about Samriddhi. I think Anushka Gupta has not subscribed to Toaster Roaster, he has subscribed to Samriddhi Agrawal. मेरे को roast करो। आशी अग्रवाल का अगर मैं रोस्ट करूंगा ना तो आशी अग्रवाल उस टाइम पे भी उसको उसका रोस्ट नहीं सुन पाएगी क्योंकि वो होमवर्क करने में बिजी और फिर वापस चैट में आके वही चीज स्पैम करेगी कि मेरा रोस्ट करो। यू डोंट नो मी टू, या दैट्स आल्सो ट्रू, बट आई मीन सारा यू फाउंड द चैनल वेरी लाइक वेरी लेट। नो दीज आर द पीपल हु हैव बीन वॉचिंग मी फॉर लाइक मोर देन अ वीक, मोर देन अ ईयर, मोर देन टू ईयर्स। ऐसा मेरे को करना रोस्ट। I don't know if I should say this. Niti Mehta is one such viewer who had personally talked to me on video call but would still complain about me missing her chats. मैं थोड़ा सिंपल वाला बोला ये क्योंकि मैं कुछ और बोलने वाला था, बट मैंने सोचा कि 14-15 साल के लोग देखेंगे। मेरी बारी कब आएगी? मानसी तेरे लिए कुछ रोस्ट करने लिए है ही नहीं, तू बहुत अच्छी है। आपकी चैट में इतनी लड़कियां क्यों क्यों है? क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ, हर एक से अच्छे से बात करता हूँ। एवरी गर्ल सी, मैं हर एक लड़की को चैट में इतना लिबर्टी दे सकता हूँ कि वो लोग खुल्ला मेरे पे ऐसा मेरे को उनका कजिन बॉयफ्रेंड गिना है। तो
तो मतलब किसी लड़की को अगर ऐसा फ्लर्ट करना है तो रैंडमली किसी स्ट्रीमर के स्ट्रीम पे नहीं करती, क्योंकि बहुत वियर्ड हो जाता है और चैट फिर बुली करने लगती है। मेरे इधर एक एक करके इतनी सारी लड़की आ गई कि अभी यहाँ पे लड़के थ्रेट फील करते हैं और यहाँ पे लड़की आके खुल्लम खुल्ला छिछोरापंती करती है। कजिन बॉयफ्रेंड, हाँ तो वही तो। आज सॉन्ग चेक कर ले, चल ठीक है, तेरा स्ट्रीम से एंड, आई मीन तेरे गाने से एंड करूँगा। मेरी चैट में सारी संगमी है, लॉन्डो को भी रोस्ट कर दो। इमेजिन एक गेमिंग लाइव स्ट्रीम के ऊपर लॉन्डो के चैट मिस ज्यादा हो रहा है। दैट्स अ रोस्ट। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी ऑल्सो, जबकि मैं तेरे स्ट्रीम एंड तक रहती हूँ। शुश, तेरे को पता है मैंने तेरे को कब से नोटिस किया हुआ है? जब तू मेरे चैट में मैसेज भी नहीं करती थी और तू मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करके रखती थी, मेरी हर पोस्ट को तूने लाइक किया था, एज इन एक दिन बैठ के नहीं, पर मेरी हर पोस्ट में तेरा लाइक होता था। मेरे फॉर यू पेज में रेकमेंडेड में तेरा प्रोफाइल आता था कि यू माइट नो दिस पर्सन, और मेरी एक दूसरी दोस्त है जिसका नाम है याशी जैन, तो मैं समझता था ये वो है। बट फिर मैंने देखा कि नहीं यार, वो ऐसी नहीं दिखती है। इट इज़ अ बिचेस डूड, इट इज़ अ बिचेस, हॉट बिचेस, इफ यस देन यस आई वॉन्ट हॉट बिचेस, बट लिटरल बिचेस नो, इफ यू मीन डॉग्स आई वॉन्ट डॉग बिचेस। तो याशी, मैं तेरे को तब से जानता हूँ पता, बट मैं बोलता नहीं कभी, और फिर तूने धीरे धीरे मेरे चैट में लिखना स्टार्ट किया, हाय जान देशमुख, यू विश टू मेक अ गर्लफ्रेंड नाउ? भाई ऑनेस्ट आंसर बोलूँ तो ना, रीजन बीइंग मेरे पास घंटा भी टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है। बताओ क्यों? आज सुबह का ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं 11:30 उठा, 11:30 से मैं मीटिंग्स में था, आई वर्क विद अल्फा सीकर्स पार्ट टाइम, अभी थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा है। मैं 11:30 से मीटिंग में था, 5:30 तक मैं काम कर रहा था, मीटिंग सब 5:30 तक निपटाया, कॉन्स्टेंट विदाउट अ ब्रेथ, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो मैंने काम निपटाया 5:30 से, मेरे को लगा मैं फ्री हो गया, 6:00 तक मैं ऐसा घूमा, फिर वापस काम आया, वापस काम ख़त्म किया, 6:30 को लगा मेरे को कि अब मैं फ्री हो गया, फिर वापस कुछ आया तो वो भी थोड़ा देख लिया, फिर 7:00 तक तो मैंने बोल दिया कि भाई आज का ख़त्म, बस आज इतना ही करूँगा, तो 7:00 तक मैंने ये किया। फिर मैं थोड़ा लेटने गया, 12-15 घंटा मैंने लेटने का ट्राई किया, बट मेरे को नींद नहीं आई, मैं फ़ोन देख रहा था, मतलब मेरे को खुद के लिए फ़ोन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल किया, मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं थोड़ा उठा, मेरे को बीटी हुई, मैंने बोला कि ऐसे ही पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया, आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाया, वेस्ट नहीं, अच्छा गया दिन काम में, बट बहुत स्ट्रेसफुल था, तो मैं चैनल के लिए कुछ नहीं कर पाया, थंबनेल भी नहीं बनाया पाया एक नया, तो मैं थोड़ा बीटी में था, मैंने बोला एनर्जी भी नहीं है, स्ट्रीम नहीं करूँगा आज ये सब। फिर मैं नहाने गया, नहा के आया, खाना खाया, फिर स्ट्रीम मैंने बोला चलो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आज ऊ बातें हो गई, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे। संगमी डांडेकर, मैंने तेरा प्रोफाइल देखा है, यू लुक लाइक यू आर वेरी डिटरमाइंड, ऐसा तेरे को देख के लगता है कि ऐसा तेरा विजन है ना, ऐसा स्ट्रेट है। मैं दिस काइंड ऑफ सेइंग कि मैं तेरे को जज किया, बट जज इन अ पॉजिटिव वे, मैं अगर किसी को जज करता हूँ कुछ अच्छा ही देखता हूँ, ऐसा नहीं सोचेंगे है ये ऐसा होगा, नहीं, लाइक मेरे को ऐसा लगता है तेरे को देख के कि तेरा ऐसा विजन बहुत स्ट्रेट है और तू तेरे रूट से बहुत कनेक्टेड है, दैट्स अस। मेरी पुरानी वाली चैट पढ़ो, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ता हूँ मैं। किधर गई समृद्धि की चैट? विल यू कंसिडर योर सेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल? नहीं, राइट नाउ इन दिस मंथ I am making what maybe a BBA student would make after 3 months of job experience. Bas. BBA graduate. So I don't think that's good enough. Ab sab ignore lag ke attention seek karna chahte hai, meri trick chori kar rahe sab, apni tricks ho jao. Ab to main jawab hi nahi dunga tere ignore wale chat pe. सॉन्ग नेम दूर क्यू बाय डेविल, ओके, देखा मैं कितनी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मैं जानता हूँ तेरे को। हाय जैस्मिन, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्स अप,
ऑल गुड रे. आज आरोजी अकेडमी ने पोस्ट किया, एसुस आरोजी ने आरोजी अकेडमी के बारे में पोस्ट किया. फॉर ऑल दोज हु कीप आस्किंग मी हाउ टू जॉइन ई स्पोर्ट्स, आई विल शो यू. तू क्या करता है? मैं अभी करंटली अल्फाजीगस के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ. एक आई वॉज नेवर इन टू जॉब, बट आई मीन जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख ही रहा हूँ. काइंड ऑफ इंटर्नशिप गिन लो इसको. एंड अल्फाजीगस इज दैट एजेंसी जो मेरे को मैनेज करती है. ये रहा, ये रहा जैस्मिन. फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बी एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, एसुस आरोजी कम्स अप विद दिस यू नो प्लेटफॉर्म एवरी 3 मंथ्स. वो लोग आपके जैसे न्यू गेमर्स को, एमेच्योर गेमर्स को मौका देता है बाय गिविंग देम प्रॉपर पीसी इक्विपमेंट, मेकिंग अ टीम ऑफ बेसिकली 5 to 6 प्लेयर्स. जो लोग में पोटेंशियल है ई स्पोर्ट्स जाने का, एंड जो लोग ई स्पोर्ट्स जाना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं कैसे जाता है, सो वो ऐसे प्लेयर्स का टीम बनाता है एंड उनको लेके प्रॉपर इक्विपमेंट देता है, पीसीज देता है जिसपे वो लोग प्रैक्टिस कर सके. उनको इंटरनेशनल कोचेस से कोचिंग मिलती है, और एक उनका यू नो विक्रांत हैकर पुजारी इस सीजन के कोच है, एंड वो अपने प्रॉपर एक कोचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करता है. और साथ ही साथ यू गेट लाइक गुड इनफ स्टाइपेंड एज वेल, यू गेट पेड टू प्रैक्टिस. इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर इन एन ईस्पोर्ट्स ऑर्ग, आपको सैलरी भी मिलता है, आप प्रैक्टिस भी करते हो, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीसी सेटअप भी देता है वो लोग. एंड इंटरनेशनल कोचेस, नेशनल कोचेस से आपको ट्रेन किया जाता है, एंड यू गेट टू प्ले कॉम्पिटिटिव मैचेस विद द टीयर 1 टीम्स. लैन मिस हो गया आज तेरे स्ट्रीम में, इतनी खो गई थी. कोई ना, नेक्स्ट लैन में मिल लेना मुझसे याशी. नेक्स्ट लैन IRL जाके देख ले. नाइस समृद्धि, रिएक्ट टू मूवी शमशेरा. Copyright by. Have you heard about Stranger Things? I've watched all seasons. You know, भैंस का vision भी straight रहता है, घोड़े का भी रहता है. Even though I'm still new, I think you still know something about me. Swabi, I think you are someone who would self-reflect a lot, based on how much I can figure out from your profile. ठीक है? And that's just one profile picture. ऐसा आंखों में देख के बता रहा हूँ मैं तेरी. आई थिंक यू आर समवन हु सेल्फ रिफ्लेक्ट्स अलॉट. तू खुद को क्वेश्चन करती है, यू कॉन्स्टेंटली यू नो ट्राई एंड एनालाइज कि तेरे जो थॉट्स है या तेरा जो बिहेवियर है या तेरा जो एक्शन है, प्लान है, जो भी है, तेरे डिसीजंस है, वो तू चेक करती है कि इफ दैट इज ट्रू और नॉट, तू सही जा रही है या गलत जा रही है. एंड तू ज़्यादा ओपन अप नहीं करती है. आई फील ओपन अप इन द सेंस, तू जिस भी रूम में जाए उस रूम में तू एक दोस्त शायद हर बार ना बना पाए, बट तेरे जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है तेरे को उनके साथ रिलेशंस कैसे बना के रखना है वो पता होगा. इंट्रोवर्ट, आई वोंट से एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, बट थोड़ा सा. स्टीफन हॉकिंग वॉन्ट ह्यूमंस अबाउट AI टेक, बट नाउ AI टेक इज हियर. भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को फर्क पड़ेगा, वो लोग जाने. मैं तो स्ट्रीम करूंगा भाई. इग्नोरेंस इज ब्लिस, अब समझ चुका हूँ मैं. हमारे बारे में बताइए थोड़ा. हर्षित यार, मैं तेरे को तेरा मैंने तुझे देखा नहीं है, मेरे को खाली नाम पता है हर्षित रंजन. एनीथिंग अबाउट मी इफ यू डू नोटिस. तनिका तेरे बारे में ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया मैंने अभी तक. वी हैव नॉट यू नो आई नेवर गॉटन टू सी यू और टॉक टू यू अलॉट. इग्नोर अपील. लविश नरुला, गाइज लविश भाई के लिए थोड़ा सा हार्ट स्पैम करे चैट में. One more info, I am learning Kathak and true what you said. See? I just assumed. What about me? Mamoni Roy, मैंने आपसे कभी बात नहीं की. मतलब स्ट्रीम पे बात की है, बट ऐसे कभी चैट नहीं किया आपके साथ, या कभी आप यू नो आपका आवाज़ नहीं सुना मैंने. तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. समथिंग अबाउट मी सेम गोज फॉर यू टू या. अभी सब लोग अपने अपने बारे में पूछो. एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं. आशी आशी तेरे को भी कर दिया मैंने. तू मैंने तेरे को रोस्ट किया था ना, वही तेरे बारे में.
तो अभी छोटी सी है, बड़ी सी दुनिया है तेरे पास, तेरे को एक्सप्लोर करनी बाकी है। हमको भी थोड़ा कुछ कह दो भाई, तुम तो सीए आदमी हो, तुमको क्या बोले हम। डिड यू चेक प्लेग्राउंड इंस्टा पोस्ट, दे आर गोइंग लाइव विद सुकू एंड अदित। दैट्स नाइस, आई सॉ कि वो स्टोरी था। तो दे पुट अप अ पोल कि किसके साथ लाइव आना है, एंड उदित और सुकू को सबसे ज्यादा वो मिले होंगे। सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा उदित और सुकू का। मेरे लिए कुछ बोलो मीत लीला वाला, तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं। एकमात्र ऐसा मॉड जो स्पैम करते रहता है। डिड यू नॉट गो इन प्राइमर थॉर? प्राइमर थॉर वो क्या है? अबाउट मी, मेरे से तो VC भी क्या है? ट्राइडेंट भाई माफ करो भाई, अब मैं सबका ऐसा ज्योतिष नहीं बनने वाला। भावेश भाई बहुत ज्यादा गजब प्रो प्लेयर कॉर्ड के, आई वोट फॉर यू इन दैट प्लेग्राउंड लाइव। कितनी का बट अच्छा यार, मैं इंस्टा लाइव पे थोड़ा वियर्ड हो जाता हूँ। YouTube लाइव मेरे लिए बेटर है। हाँ यानवी, तुम्हारे बारे में बोल देता हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ यार तुम लोग में से, सब लोग को अच्छे से। तुम लोग इंस्टा DM नहीं करते मेरे को, तुम लोग मेरे पोस्ट पे कमेंट नहीं करते, तो मेरे को तुम्हारा बिहेवियर कैसे बताओगे ये बताओ। काफी लोग तो यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो भी नहीं करते। कृष्णा और MEV की कॉन्ट्रोवर्सी, स्पैम मत करो यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं उसमें। ग्रेटफुल फॉर योर सक्सेस, हाउज लाइफ गोइंग? इट्स गोइंग ग्रेट। मैं करती हूँ मैसेज, तू करती है वो तो पता है यार, जो नहीं करते उनकी बात है। नीति अब भी जाके DM करके आते हैं। हाँ चीटिंग कर लो। अस्सी हजार के जी, आई हैव एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन प्लेग्राउंड, यू हैव डन इन गेमिंग एंड डेयरिंग बाय गिविंग ब्लैक बॉल टू अदित, बट ओनली थिंग यू लैक वर ट्रू टू अदर्स दैट यू टेल देम फियर्सली बट यू शुड टेल देम लाई। अच्छा थैंक्स मैन आशा टेक, वेट आई नीड टू टेक दिस वन। आतोष मेरे को लगा पार्सल आया है, पार्सल ही आया है। एक बड़ा पार्सल और एक छोटा पार्सल आया। 100 पात्री वाला। अरे इसको तो तूने टेप ही कर दिया। हाँ तो। हाँ। ऐसे दोस्त चाहिए। आज इसी की बात कर रहा था, मैं बता रहा था वो सेफ्ट वाला स्टोरी। कौन सा सेफ्ट? सेफ्ट विंटर। मेरे को बोल के बताया कर भाई। नहीं विंटर एग्जीबिशन हम क्यों गए थे? नाम नहीं बताया। अरे यार। स्टोरी बताया। कई बाजू याद कर ली तो अभी रीते तरत बाहर निकल जाता। कई बाजू फेस रिवील हो गया ना किधर? क्या खा क्या अभी शेयरवेयर लेके आया यार। IRL स्ट्रीम बहुत ज्यादा आया है लोगों। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चढ़ के रूम में आऊंगा, वैसे आते ही AC चालू कर। सिक्योरिटी चेंज हो गया वो बंदा चेंज तो मैंने उसको बोला कि
कब ऐसा कब लिखला ये रूल? हाँ, तो दिन हुए, पांच छह दिन हो गए। तो मैंने कहा तो कल क्यों नहीं लिखवाया मेरे से, तो कल में शायद आपको पहचानता हूँ। कल तू कब आया? मैं नहीं आया ना, बट उसको थोड़ी पता है। क्या हाल है चैट भाई? प्लेग्राउंड में जाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? एक आईफाई 12 जनरेशन होता है और 3090 लगता है। थैंक्स बता दो भैया। मैं सोच रहा था कि वीडियो बना दूं यार, कि हाउ आई गॉट इनटू प्लेग्राउंड, हाउ आई गॉट इनटू प्लेग्राउंड, बट वो कंटेंट आइडिया लोगों ने ढाप लिया। देख हां रिपोर्ट। अच्छा अबे कैमरा हाथ में ले लूं क्या ऐसा व्लॉग? वो अलग स्क्रीन है। मॉड्स नीड जस्टिस, क्या हो गया भाई? ब्रो मेरा नाम ले लो अंकुश मोती सिंघानी। ये ओसिस का क्या पड़ा पिया तुमने? ये क्या पिया चाय? अरे आम पन्ना। पक्का ना? हां तो ओसिस तो होटल का नाम है जिसका ग्लास है। मेंबरशिप थी ना इस होटल की? नया शर्ट, नया शर्ट नहीं, ये घोसली का टी-शर्ट है। अरे गाइस ये ना मेंबरशिप थी होटल की, तो वो लोग ऐसा गुडीज देते है, वो वाला ग्लास है। गुडीज में गुड तो दिया कुछ के, गुड नहीं लेके आए। गुडी था उसमें से, गुड नहीं लेके आए। सैम तू स्पाइसी है, व्हाट द फक? क्या चल रहा है? अरे कब चख लिया तुमने? मोच नीड टू ग्रो माय हर्षद तू ना यहां पे एक सेकंड, थोड़ा चैट जूम मारने दो। यू रिमेंबर मी? अरे ये लोग पूछ रहे हैं यार तुम ऐसे हंसना नहीं। एक सेकंड रुको, जैसे बोले हम उस बात पे। आज कॉपीराइटेड उवू गाने चल रहे हैं पीछे। आपसे कॉमर्स की बात कब पूछूं? अभी पूछ लेना, चैट में मौका भी है, दस्तूर भी है, कॉलेज भी खत्म, कॉलेज भी खत्म हो गया, सही हुआ है, करियर गाइडेंस भी है, हो गया है गाइस, एक ही एग्जाम देना बाकी है बीटीए उसका। आई विद तो बहुत लंबा क्यों बे सर अपना पड़ेगा तो... लंबा नहीं, मैं तो क्लोज कर रहा हूं। देखो मैं तो ठीक है, नहीं नहीं दिखेगा लंबा। ये तो वो पहले तो कार्टून पे शो आता था। आगे मारू? आगे मारू नहीं आता था कार्टून पे कभी। तो क्या तो तेरे को इसको देख के आगे मारू आता? ये मतलब मेरे को लगा कि दूसरा ऐसा बोला। अरे वो हफ्ता है ना बोल जाएंगे गेम प्ले में। ठीक है फ्लैट हो गया है तो। अरे हाँ वो कहाँ गया वो? क्या अरे इसको बोलो चैट भाई साहब ने बैटल पास गिफ्ट करने का सोचा था। हाँ, और मैं बताता हूँ चैट, जब विश्वदे ना सिल्वर 3 पे था तो तोशान को मैंने ऐसा बोला था कि तोशान तू गोल्ड आ, मैं तेरे को एक बैटल पास गिफ्ट करता हूँ। और विश्रुत को मैंने बोला तू बेटर प्लेयर है, तू प्लैट आ, मैं तेरे को बैटल पास गिफ्ट करता हूँ। लेकिन ये भाई साहब खेलना इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है? ये नहीं, इंदौर बंद कर रहा। नहीं नहीं अभी तो चालू है, अब किया ना ये फ्लैट मत, इसलिए किया ये भाई साहब खेल नहीं रहे थे, इसने किया है उसका अकाउंट फ्लैट। अभी देखो तो बैटल पास बनता है नहीं, ऐसा क्या मेरे को अकाउंट दे, क्या प्रूफ है? मैं इसके साथ खेलता था, ये विस्की आईडी से खेलता था, बात करता है, क्या प्रूफ है? एक काम करता है, मैं तेरा अकाउंट खुद गोल्ड 1 कर देता हूँ, फ्लैट कर दे। क्यों वापिस क्यों? 600 रुपए के लिए अभी एक बार किया वो किया, मेरे को कोई 600 रुपए बोल दे के बोले ना कि राइंड डाउन कर ले मैं कर दू। अच्छा कल मैं करूंगा। तू मेरे को 600 रुपए कैश दे, 600 तू मेरे को 600 रुपए देगा, तू जीवन करेगा ऐसा उसको प्लैट वन कर दे, मैं तेरे को बैटल पास दे दूंगा। चलो विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श नहीं किया जाएगा भाई, होगा तो ले लो, विचार विमर्श किया जाएगा, वन टाइम ऑफर। तूने अकाउंट भी नहीं बनाया बैटल पास चेतना, जैसा राशि के चार्ट पढ़ लो बेचारे का दिल में पानी है ना, बॉटल नेक किसका है? हाँ वही देखा, इसीलिए पूछा मैंने, पानी है ना, देख ले नशा हो सकता है। क्या हो गया, किधर गई आशी? टी रैंक लाइव स्ट्रीम इनकमिंग। ये सही है, सेपरेट लाइव स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं है। आपका खेल के हो गया यहाँ, तुम खेल नहीं रहे थे? मैं खेला ही नहीं, वैलोरेंट तो डाला था उसने, मैं डाला था पर फिर ये लोगों ने डालने दे दिया। मैं तो रास्ते में देखा जोशी स्ट्रीम कर रहा, चलो उसके घर जाते, स्ट्रीम नहीं कर रहा होता तो नहीं आते। पता चला मेरे को कि तू
फ्री बैठा है ये मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया भाई, ये मेरा घर नहीं है यार, इधर उससे नाचे आज हम दे रहे हैं। हाँ मैं तेरे बर्थडे के टाइम पे लिया था ना, वो लिया अभी है। हाँ क्या बात कर रहे हो, केक बहुत पसंद आया है ना वो, उसका एक केक नया फ्लेवर का केक लाए हम। हाँ और उससे दो टेपी रेड वेलवेट है, रेड वेलवेट तो है काश मैं कस्टम्स में बोल सकता, कवर गोइंग आउट उनकी फट जाएगी, तो इतना गेंद में था ना वो सॉरी चैट प्ले हैंड क्रिकेट, हैंड क्रिकेट कैसे खेल रहा है चल स्टोन पेपर से सर्च पहले तुम लोग खेल सकते हो, खड़ा हो जाए, इनको तेरा स्टोन ही नहीं दिख रहा है। चलो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, अरे वो तो एक मिनट चैट कैन बेट हु विंस, चैट चलो सट्टा लगाओ ठीक है, योर पॉइंट ऑफ व्यू बेचारे, अरे नहीं वैसा कुछ नाम रखना, दया दया वो दा बॉय, दा बॉय टोस्टी, Da Boy Toasty versus Wannabe Goldie Boy अलग ही नशे चल रहे हैं आप। हाँ ना मैं तो स्ट्रीम कर रहा हूँ, आ गए मजा आ गया मैं कॉल उठाया, मेरे को लगा बोलेगा कि जय कल हम लोग बाहर जा रहे, तू आएगा, मेरे को लगा ऐसा कुछ होगा कॉल उठाया दरवाजो खोल बोला I like, but उसको ऐसा एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मस्ती कर रहा है, नहीं लिटरली like, रुक रहा है मस्ती कर रहा है, कब लगा पता है, फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ था रात को दो ढाई बजे तक, साढ़े तीन नहीं मैं हाँ साढ़े तीन रात को बजे तो फाफड़ा तभी तो खुलेगा रात को साढ़े तीन बजे थे, सरप्राइजिंगली जय जगा हुआ था। हाँ मैं जागता नहीं था उस टाइम पे, मैं एक डेढ़ बजे छोटा बच्चा था, हाँ मैं सत्रह का था, सत्रह का फर्स्ट ईयर ऑफ क्रिकेट क्रिकेट सॉरी कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। हम लोग नितेश कहाँ गए, टू द गणेश चतुर्थी, टू द ना जस्ट वन रैंडम नाइट वी वेंट टू स्पेस and we stayed there and then हमने रात को माणिक चौक गए and माणिक चौक में खाया पिया and हम लोग रिवर फ्रंट पे बैठे and हमको लगा Kamal is missing here and we should go meet Jay, so we called Jay and Jay was surprisingly awake। तीन बजे में आ रहे हैं ये बोलते हैं आते वक्त ना जलेबी फाफड़ा लेके आना। हाँ अरे मेरे को सीरियसली लगा ये लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मेरे को ये पता था ये लोग नितेश के घर है ठीक है, तो इन्होंने कॉल करके बोला कि हम माणिक चौक जाके अभी हम लोग रिवर फ्रंट पे और अब सीधा तेरे घर आ रहे हैं। Hey, to the people who don't know these areas, उसका घर एक घंटा दूर है ना सर। हाँ तो मेरे को लगा कि मस्ती कर रहे होंगे, तो मैंने बोला पहले तो वीडियो कॉल कर, तो इन्होंने वीडियो कॉल किया और वो लोग रास्ते में थे तो मेरी फटी पर मेरे को लगा उधर ही कहीं पे घूम रहे होंगे, तो मैं बोला ठीक है वीडियो कॉल में भी तो वही थे वो रील नहीं देगा लेकिन सब लोग ऐसा बात करते ऐसे आ रही होता तो इनको लगा नहीं आ रहे होंगे, तो मैं बोला ठीक है आते वक्त फाफड़ा जलेबी लेके आना। अभी ये लोग साढ़े तीन हुए ठीक है, ऑलमोस्ट पौने चार को मेरे को वापस कॉल आता है, बोल रहे हैं सारी दुकानें बंद है हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने बोला ऐसे तो बिल्कुल मत आना, पान लेके आना, कुछ तो लेके आना, नहीं पान बोला था, पान बोला था हम पान लेके आए थे रात को साढ़े तीन, फर्स्ट टाइम दोस्ती के घर आए रात को साढ़े तीन चार बजे हम पान लेके आए। सुबह क्या सुबह हम लोग गए थे इस्कॉन गए, इस्कॉन गाठिया फिर एक्चुअली खाया था गाठिया और आउट ऑफ ट्रेडिशन दैट वी हैव टू एवरी टाइम वी आर हियर, हम लोग सुबह 6 बजे को जाने का प्लान बना, आज भी नहीं नहीं आज नहीं रुक रहे हो तो भाई ये आज रेड रेड जल्दी खत्म। हां तो उसके बाद इसको और अब तो एसी है कंट्रोलेबल 18 पे भी जाता है, उसके बहुत सारे नाइट स्टे के प्लान्स है आज। Rio. Someone's eating the cake, but not from the plate.
मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ, चैट समझ रही है कुछ नहीं समझ रही है सच में आ गए थे। हाँ अबे मैंने स्टोरी डाली थी, मैं बताता हूँ कौन सा टी शर्ट पहना था मैंने, सुपर ड्राई का पर्पल कलर का, और मैं ऐसा ऐसा करके फोटो खिंचाया था इन लोग के सामने, और वो था इसके चश्मे से नर्ड वाले चश्मे। हाँ ऐसा, एक सेकंड व्यू कर है फुल नहीं नहीं मम्मी का कॉल है उठा, आर्काइव में होगा तेरे स्टोरीज में। मेरे को सुसू लगी है, मैं सुसू होके आता, तू चैटिंग कंटिन्यू कर। अबे आज तुम लोग पे ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों सिर्फ 200 लाइक किया है, हजार भी नहीं आज। अबे आज व्यूज सही चल रहे हैं, लोग आए बट लाइक नहीं दबाते। आज कितने वोट्स आए? वोट्स आ रहे हैं डेमोक्रेसी में, कौन कौन है डेमोक्रेसी? खेल सकते हैं अभी मीत, डस एवरीवन वांट टू सी ओवरकुक्ड इज द क्वेश्चन। सॉरी मेरा सिर्फ सर दिख रहा है। दोस्ती का एक सीक्रेट बताओ। डैम दोस्ती का बहुत सीक्रेट था, कुछ ऐसा स्पेसिफिक, कुछ ऐसा स्पेसिफिक जॉनर पूछो बट काफी वाइड क्वेश्चन है वो यार। या अब ठीक है, आई थिंक सो। बस मैंने पढ़ी ना, अच्छा ऊपर वाली, रुक जा चैट स्लो, विशु दे पढ़। हम लड़के फिकर करते हैं तो जताते हैं अपनी हर बात, किसी खास को बताते हैं, अंदर से नरम और बाहर से सख्त हैं, दिल हमारा भी रोता है पर आंखों में आंसू नहीं आते हैं। आठ दिन से स्ट्रीम करेगा ना तो मेरे को याद दिलाना सुपर चैट करना। आप सुपर चैट तक पहले पहुंचे। अरे हाँ अगर वो खुला हो तो शायरी। एक अच्छा मोबाइल गेम सजेस्ट करो। सर मेनी मोबाइल गेम्स, वेट हैव यू प्लेड ब्रॉल स्टार्स? यू कुड प्ले ब्रॉल स्टार्स, इट्स रियली फन टू प्ले। ऑल्सो पता नहीं जब वैलोरेंट में हार रहा था, आई यूजुअली सेम टू माय सेल्फ कि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस मेन हूं। क्या हो गया? सही बात है सब। मेरे को पूछे टोस्टी का एक सीक्रेट बता दो, मैंने कहा कोई एक स्पेसिफिक जॉनर बताओ तो मैं बता पाऊ, बिकॉज देयर इज सो मच। कोई भी एक सीक्रेट बता दे, कोई भी एक बता दे। टोशी इज़ वियर्ड रखनी थी मेरे को गाइस, और मैंने रखी थी एक बार। रुक फोटो होगा मेरे पास, आई मेरे पास हर एक का फोटो है भाई। मैंने फ्रेंच बियर्ड रखी थी एक बार। स्कूल कांड्स तो मेरे को कम पता होंगे बट थोड़े बहुत पता है। स्कूल कांड्स के बारे में तो तूने व्लॉग में भी बताया था, स्कूल व्लॉग में। मैं ऐसी फ्रेंच बियर्ड एक बार रखी थी दोस्तों, शुड यू डू इट अगेन? ये देखो ऐसी फ्रेंच बियर्ड रखी थी साइड में। हाँ ये देखो खुलता है सिर्फ 700 स्टब्स मोर भाई, his thousand. वो सही है यार, ये फ्रेंच बियर्ड रखता था पर भाई मैं गाइस मेरे को अभी चूड़ मच रही है दाढ़ी क्लीन करने की, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं अब भी लाइव स्ट्रीम पे दाढ़ी उड़ाएगा। मेरे दोनों दोस्तों को पता नहीं पता नहीं मेरे दोनों दोस्तों को क्या शौक है ऐसा, बीच में कभी भी रैंडमली दाढ़ी उड़ा देते, रैंडमली दाढ़ी उड़ा के आ जाते हैं। ये तो मोदक बन के आता है, और दूसरा भाई ये जब निकालता ना तो मेरे को पक्का पता है इसको एक्टिवा देने का ही नहीं, ऐसे पुलिस वाले पकड़ेंगे ना स्ट्रेट आउट ऑफ 8 स्टैंडर्ड। नीति ठीक है यार, नहीं निकाल रहा दाढ़ी, तू कर ले ऐसे ही सेम इंस्टा स्टोरी और डाल ले ये पिक आज प्लीज। नहीं यार ये मानसी हंस रही होगी मोदक। आशी का क्या? आशी कहीं नहीं यही हूँ। आशी किधर है पहले मेरे को ये दिखाओ। आशी ये रे, ओके लिख रही आशी। यू रिमेम्बर मी टोस्टी भाई? रिज्जू भाई तू चार बार पूछ रहा है एक ही स्ट्रीम में, मैं गजनी तो नहीं हूँ लास्ट टाइम आई चेक्ड। कुछ कुछ लिखवाता रहता हूँ मैं अपने नहीं लिखवा। लास्ट टाइम बैक पे KD83 लिखा था फिर मार्कर नहीं पकड़ा है मैंने। ह्यूमिलिएटिंग सीक्रेट बता दो, कुछ हुआ है क्या? ह्यूमिलिएटिंग अरे वो अलिया माँ फाड़ी वो हुआ था सीक्रेट नहीं, वो एक मतलब मोमेंट था। हाँ बट वो हम सब ने ऐसा वो इंस्टेंस ही है। हाँ इंस्टेंस इंस्टेंस ही है इंस्टेंस ही।
ओके वो इंस्टेंस ऐसा है कि हमारे एक एनवायरनमेंट के सर पे सब्जेक्ट आ गया कुछ एनवायरनमेंटल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट था ठीक है और वो खुद फूल कली वजह से नाजुक था इफ यू अंडरस्टैंड द मेटाफर देन यार अब क्लास खत्म हो गई सो एवरीवन इज काइंड ऑफ लीविंग एंड हम लोग सब निकल गए ठीक है निकल गए लाइक और फिर इसने ना पता नहीं ये दोनों कुछ मस्ती कर रहे कुछ तो हुआ क्लास में और इसने ना जोर से क्लास में ऐसा गाली बोली नहीं 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 उसका मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ तो वो जो सर जब भी आते थे ना तो सब लोग अपना ध्यान फोन में रखते थे तो सर ने एक रूल सेट कर दिया फोन सबके आगे फोन सबके आगे होंगे तो सबके फोन उधर आगे पड़े ठीक है और कुछ तो हुआ था एग्जैक्टली नहीं 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 अब मेरे को याद है कि ओ हाँ यशदीप था यशदीप को दी थी मैंने गाली हाँ किसी को दी थी मैं वही कह रहा था कि इसने ना किसी को गाली दी और हमारा दोस्त है वो जब तक कॉलेज था तक बट पॉइंट इज कि उसने ना क्लास के बीच में ऐसा बोल दिया गाली अब क्लास खत्म हो गया एवरीवन लीविंग सब ध्यान नहीं होता है फैकल्टी का नहीं फैकल्टी का नहीं हमारा नहीं होता तो हमारा भी नहीं होता फैकल्टी भी खड़े थे वहां पर तो अभी कैसे होगा नहीं सो सीन क्या होगा उधर फोन पड़े थे हर एक बंदा अपना अपना फोन उठा के क्लास के बाहर जा रहा था फैकल्टी वैसा चिल हो गए थे फैकल्टी मोड ओवर वो किसी से कुछ बात कर रहे थे यू एंड यशदीप द सेम फोन हां मेरा और यशदीप का सेम फोन है और उस दिन ना मैंने कवर लगाया था ना उसने तो उसने मैं जो फोन देख रहा था मेरा समझ के उठाने वाला था तो उसने उठाया और वो उठा के लेके निकला तो मैंने उसको देखा नहीं हाँ तो मैंने उसको कुछ गाली दे दी और अच्छी गाली दी ठीक है एकदम गाली ले गाली और मैंने कुछ गाली दे दी और फिर मैंने ऐसे देखा एग्जैक्ट इतने डिस्टेंस पे सर खड़े थे और सर मेरे को करते जय हाँ ऐसे करते जय हाँ दिग्विजय जैसा सेम टू सेम दिखते भी दिग्विजय जैसे नहीं गलत तो वो लूनी टून्स में तुमने देखा ऐसे करके ऐसा किक मार के भागता है मैं सेम भागा था और वो तो ठीक है वो भागा तो भागा क्लास के बाहर तक आया वो और फिर एक हमारी क्लासमेट थी ठीक है नाम नहीं लूंगा बट वो अगली जय जय सर इज कॉलिंग यू वो मेरे मैं दूर तक भाग के जा रहा हूँ इन लोग को ढूंढते हुए वो मेरे पीछे कुछ भाग के आ रही जय 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 रुको सर इज कॉलिंग यू मैं सर गए तेल लेने आज नहीं रुकूंगा मैं फिर बाहर गया फिर वो लड़की आके बोलती है कि नहीं सर इज कॉलिंग यू फॉर द पेपर वो पेपर दे बोला फिर मैं गया सर के पास सर ने पेपर दिया और फोन बाजू में पड़ा फिर फोन लेके चुपचाप निकला ये आज भी हॉन्ट करता है मेरे को मेरे को लगता है वो सर हम लोग कभी भी मिलेंगे आज से 5-6 साल है तो भी तेरे को वही इमेज से देखेंगे फक फैमिली फ्रेंडली बता क्या बोला बच्चे देख रहे वरना बोल देता पीस वॉचिंग होती तो बोल देता 47 है 7 बच्चों मैं तो समृद्धि ही बोलती वो आशी बराबर मैं तेरे से बड़ी हूं कब हुआ बुलाती है मगर जाने का नहीं एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फ्रेज तब भी आई थिंक ये जोक ऐसा प्राइवेट ही था You guys are so cool. You haven't heard our stories अभी तक. तूने देखी होती ना हमारे एक टाइम पे ऐसा सीन था कि everybody wanted to be a part of our group, but then we were so close that everybody started envying us. हाँ लोग literally class में हमारा example लेते थे कि अगर मैम अगर आप groups बना रहे हो तो मुझे तो यही group में रहना है ऐसा होता था. हाँ class में वो कुछ कोई assignment या project होता था ना तो हमारे group में लोग आते थे. Describe Genix. I'm also a subscriber. A selfless person. Can go to very big heights to help you if you are actually in need and if you are someone that he cares about. Such a sweet person to spend time with. उसके साथ कभी बोर नहीं होता. इस पे शॉर्ट बनाते शायद 700 शब्द हो जाए. That's the best part, not gonna lie. फिर हम भी बोर हो गए यार हमारे ग्रुप से. एक टाइम ऐसा भी आया कि हम लोग बोल रहे इसको नहीं. हम तो बोल रहे हैं हम खुद ही निकल रहे. ये भी हुआ है. ग्रुप क्या है? जो ग्रुप का नामकरण हुआ था उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था. ये भाई थे पहले लीव करने वाले. मेरे को उसका स्टोरी पता नहीं है तूने क्यों लीव किया था. मेरे लिए है कि उसके लिए या किस मैंने ना खुद के लिए सब बोल नहीं बोल नहीं नहीं देन मैं तो वो ग्रुपिज्म से परेशान था कि एवरीवन यूज्ड टू जस्ट कमेंट ऑन द ग्रुप. आई वाज लाइक बट इट्स जस्ट दैट अगर किसी का कुछ पर्सनल आता था वो ग्रुप पे आता था.
मोदक मना करते हुए नहीं नहीं ये मना इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इसको बताया था और बाकी किसी को नहीं बताया गलती हो गया मेरा इसको बता दिया इसको भी नहीं बता दिया तो शायद हमारे ग्रुप में आज 7 लोग होते हैं उस द बुली अमंग यॉल नंदिश उस द बुली बुली नंदिश ठंड मारता ठंड खाता अनुष्का दीदी हाँ वो भी थे हमारे ग्रुप में Most flirt among you three. Flirt. नहीं flirt नहीं flirt. नहीं नहीं नहीं. अरे. नितेश. पहले होता नहीं था, हो रहा है तो रुक नहीं रहा है. That is also true. But if ऐसे genuinely है तो चुप जाए. क्यों भाई मैंने किसके साथ flirt कर लिया? इसके साथ नहीं किया है. भाई गाइस ऐसे एक टाइम आता है हमारे ब्रेक्स में कि हम लोग सब खाना खाने जा रहे हैं जय है ही नहीं जय किसी और के साथ खाना खा रहा है और वो तो ठीक है अलग कैंटीन में भी खा रहा है ये कब हुआ है इतनी दफा हुआ है कोई तो इंसान छोड़ सिचुएशन बता इंसान भी अलग कैंटीन भी अलग हाँ तो वो तो छोड़ कोच भी अलग वो भी छोड़ क्लासमेट भी नहीं है वो एक साल नीचे की दो साल ऊपर एक साल नीचे कोर्स अलग कोर्स अलग वाली फ्लर्ट नहीं गाइस मैं ऐसा भाई मेरे बहुत सारे लोग हैं कॉलेज में जो मेरे फैंस हैं उनको मिलना चला क्या जय तू सिर्फ शक्ल से शरीफ है नहीं यार देख नितेश सीन क्या है नहीं मैं बताता हूँ सीन क्या है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं क्लोज फ्रेंड्स कम बनते हैं बट बहुत सारे ऐसा फ्रेंड्स बन जाते हैं नेटवर्क के हिसाब से तो फिर कभी कभी उनके साथ भी एक्सप्लोर करना पड़ता है तो बस उनको लेट्स गो लेकर चले जाते हैं तो उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहा था मैं उन्हीं के बहाने दूसरी जगह का खाना एक्सप्लोर कर रहा था पूरी चैट के साथ फ्लर्ट करता है व्हाट एल्स कुड ही वो आई टेक इट दैट आई टेक आज तुम्हारे पास भी लाइव कंपनी है सो यू प्ले डम शरेंस यू कैन आस्क अस दिस एंड दैट इफ यू वांट टू नो दिस एंड दैट करता यू नो दिस एंड दैट दिस एंड दैट क्या एग्जांपल दिस एंड दैट मतलब जैसे अभी किसी ने पूछा उनका एग्जांपल देना ऐसा नहीं कि अरे मतलब देख अभी किसी ने मैं गेम खेलना चाहूं अरे दिस एंड दैट बहुत सिंपल होता है कि इधर यू आर अ माउंटेन पर्सन और यू आर अ बीच हां सो दिस फॉर दैट डे टोस्टी फ्रेंड्स के सामने झूठ नहीं बोल सकते भाई मैं झूठ नहीं बोलता इनको भी पता है लग रहा है उसके बाद भी नहीं अनन्या क्या भाई हाय स्पाइसन वाजा ओकुबेन ये हर्ष वाला वाजा ये एक्चुअली हाइड्रा और गॉड एट ओवर वाला वाजा ऑफिस ये ऑफिस आपके स्कूल क्रश के बारे में बताओ भाई आधा घंटा बात किया आज मैंने स्ट्रीम पे जाओ देखो कौन से नहीं बताए वो एक ही वाली जो अच्छा अच्छा वो अनन्या का चैट तो अनन्या बताओ अनन्या बताओ आज मेरा एक भी चैट नहीं पड़ा अटेंडेंस के अलावा मुझे भूल गए नहीं यार दिल में बसती है तू पहले को अपनी डिलीटेड वन ऑफ द मैसेज पहले बीच वाला निकाल देता हूं दिल में बसती है बस उस बस्ती का रास्ता भूल गया मैं भाई मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि यहाँ पे मेरी तारीफ हुई लेकिन बाद में तोश ने रोस्ट भी करा इसलिए बोलता हूँ इंटेल का प्रोसेसर लगा बफर होता है भूल गया टोस्टर नहीं भाई This or that बोला था तुम लोग तो मार ही रहे हो मतलब किधर है वेलो है FS Hyper वेलो उधर ही है जिधर तेरे स्किल्स है रुक जा कौन सा मैप था जो भी बंद हो गया कौन सा मैप था जो भी स्प्लिट हाँ स्प्लिट में ए और बीच में जो जगह था ना मिड वाला पार्ट छोड़ के जो बच गया ना उधर है तेरे जय पैसा तो पैसा तू आप तो इंटेल i9 प्लस 3080 लगा रहा है यार ये तो रहा है जय पैसे हमने लैपटॉप में इतलो छे
80,000 का लैपटॉप है, इसमें तेरा घर जाएगा। 80,000 का नहीं है, थोड़ा ज्यादा महंगा है, बट बहुत अच्छा है। i9 और 3070 शो ऑफ ना करे लिया, वे जोक एस्टैब्लिश कर लिया ना, खबर पड़ता है। पीसी से ज्यादा है, पीसी से सच्ची में परफॉर्मेंस ज्यादा है इसकी। एक सपना था हमारा, पता है, हम यहाँ पे जब जय का टेबल बन रहा था ना, तो हमारा सपना ये था कि ऐसा टेबल एल शेप का बने और हम भी अपना सेटअप लेके यहाँ गेमिंग करें लैन में। और अभी ये 6 फुट का बनाया हमने, क्योंकि यही यहाँ पे लग रहा था। 6 फीट में भी हमने ऐसा किया, यहाँ पे मेरे 2 मॉनिटर है, एक लैपटॉप है, और एक बार नितेश भी अपना सेटअप लेके आ गया था, तो 3 ऐसा कंप्यूटर एक साथ लगाया। वो तो ठीक है, जब नितेश पहले पहले आता था गाइस, अगर कोई ओजी है ना उसको पता होगा कि इस रूम में पहले बेड आता था, ठीक है, तो नितेश आता था ना तो वो उसके साथ उसका वो टेबल लेके आता था, लैपटॉप टेबल जो फोल्डिंग टेबल होता ना, और वो लेके उस पे गेम खेलता था हमारे साथ और नीचे बैठ के खेलता था। वो ऐसा डेडिकेटेड था, बट आयरन था। नवली तो क्या आरओजी की तरफ थी, ऊपर वाला नहीं कृपा। लेकिन कितने देखते तो आज कुछ YouTube से पढ़ा अनु। हाँ यार, तुम्हें कैसे पता? अनुष्का जो है चैट में बहुत बड़ी चीज, अनुष्का गुप्ता। एंजाइटी लेवल्स देख रहे हो, सब गुजराती है क्या? 2 मराठी है। तुम्ही मला सांगितलं ना कि तुझा मराठी खूप चांगला इथे मध्ये दो शुतुरमुर्ग माझे मराठी भाऊ आहे। हर्षने इसको हैप्पी बर्थडे लिखा तो बोलता है तोष मेरे को ना इसको हैप्पी बर्थडे में रिप्लाई कर देगा, मतलब थैंक यू मराठी में रिप्लाई कर देगा। तो मैंने उसको बोला ऐसा लिख, तो उसने ना, अरे उसने पता नहीं तब कॉन्टेक्स्ट था, उसने पढ़ के बोला कुछ और मैंने उसको बोला कि ऐसा लिख, तो उसने लिखा मेरा इनिशियल और फिर हाफ तोड़ के उसने खुद का लिख दिया हिंदी। नहीं 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 हर्ष भाई थैंक यू, नहीं तुमचा तुमचा आभार आहे, खूप आभार आहे, मी तुझा बिर्याणी क्या था बनावते बनावते मी तुझा बिर्याणी बनावते ना, जो बोला उसका लास्ट पार्ट खुद लिख दिया वो औते चौथे ये सब मजा आ जाता है। उसका प्रॉब्लम शॉर्ट नहीं हुआ है किसका? अरे हो जाएगा शॉर्ट भाई, तो इसका शॉर्ट नहीं हुआ है। मुझे बिरयानी बना के खाएगा, खाएगा, अच्छा खाएगा। मैंने बनावते लिखा था, बनावते लिखा। ओ भाई दिसन दैट करा असता, तुम्ही दिसन दैट भेजून। और यू जस्ट आस्क इफ यू वांट टू नो समथिंग। हां ट्रिविया, आई कैन आस्क ट्रिविया। आशी मेरे संस्कृति कुछ समझ नहीं आता। Be rich or famous, this or that. I'll be famous and fame brings money. अरे वो सुना ना स्टोरी तेरा, मेहरा जी से आरओ जी तक का सफर। सुना सुना नहीं नहीं हो गया, नहीं नहीं हो गया। सुना आप जो नोवर डालते थे क्रीज के पीछे से, मेहरा इज माई फैन ब्रो। I know Goldie Bhai knows Yuzi Chahal, Yuzi Chahal knows that. तो इसी प्रकार आपको जो लेंथ बॉल पे डालना है। गेम जो। स्टोरी टाइम कौन सा है? कुछ स्पीड तो स्पीड बन सकता है, गेम तो बन सकता है। मजा आया। इसी तरीके से जो है। वर्ल्ड आज का जो मैचअप है, वेलोसिटी गेमिंग वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। वेट। मेरे को बोले। नहीं 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 हेडफोन दे। गेम से हेडफोन रुक, वॉल्यूम म्यूट करना। वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम ऑफ स्काई स्पोर्ट्स। क्या होता है नाम सीरीज का? अरे कुछ तो जी हां, स्पीडो स्काई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स
आरओजी शोडाउन में आप सबका स्वागत है। तो जी हाँ स्पीडो, इसी तरीके से हम बात कर रहे थे कि ओमन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है जो कबर कोई गेम्स वो आपने अगर नोटिस ना किया हो तो ओमन कब से मेटा के बाहर चला जा चुका है। अभी अगर आप देखें तो कंट्रोलर में ब्रिमस्टोन ज्यादा खेला जा रहा है और एस्ट्रा करके जो नई एजेंट आई है चलने वो खेली जाती है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने वेलोसिटी ई-स्पोर्ट्स को ग्लोबल गेमिंग को कभी ग्लोबल जी को ग्लोबल गेमिंग इसीलिए वेलोसिटी ई-स्पोर्ट्स अच्छा ओके ओके वो वाला था ब्रेकडाउन जोक था गाइस। अब तुम बोल वाइपर क्यों अच्छा है। देखिए जी हाँ वाइपर जो है वो जो है थूक भी सकती है ऐसे करके। वल थूकने की बात आती है तो मेरे को किसी और की याद आती है। देखिए आप इधर जो है अपने पर्सनल लाइफ में लाए स्पीरो जी हाँ ये जो है वो गलत है। ठीक है स्पीरो ये क्या हो गया वेलकम टू द ग्लोबल ईस्पोर्ट्स व्लॉग्स गाइस सो मेनी चैलेंजेस एंड हर्डल्स तो लाइफ में आते हैं। तो जी हाँ इसी प्रकार मुझे जो है हटा दिया गया क्योंकि मैं जो है ठीक साथ नहीं हूँ। धन्यवाद आपका। वेल आज के इस व्लॉग में बहुत ही सीक्रेट हम आपको व्लॉग में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रिवील करेंगे कि एसके रोसी ने नींबू पानी के पीछे कितना खर्चा करवाया। वेट हाथ आज उतना नहीं आ रहा। हाँ तो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वो फकाजी मैंने उनको डीएम किया रहने देते हैं। सॉरी मोहित भाई सॉरी सच्ची में देख लिया तो मार देंगे यार मेरी साइन नहीं करेंगे वो अलग बात है। भी तो नहीं होंगे गेम मास्टर पेनल्टी दे दो। गोल्डी भाई बेइज्जती कर रही है आपकी। अबे कुछ क्या हर्ष का वो वीडियो देखा था जिसमें मेरे सब कुछ कर लेता है जयला मराठी शिको मला मराठी माहिती नाही मराठीची आईचे आशीर्वाद घेऊन टाक। निश्चय की फॅन गर्ल हाय अब जीत रहा है। हाय बहुत लीक्स लीक्स क्या भाई मोहित असराने की बर्थडे थी मैं विश नहीं कर पाया था बस मैंने उनको मैसेज कर दिया कि हाय लुकिंग एट साइनिंग क्रिएटर। जब वो सामने आए थे जो आवाज गई थी ना ऐसा मेरा जाया को देख के हुआ था। बट ही हैज दैट ऑरा सो लाइक आई वुडंट डिनाय दैट बट ठीक है वन डे। तो मेरा जाया के साथ ऐसा हुआ था कि यूजुअली मेरी जाया के साथ ऐसे बात होती है बिकॉज ऑफ वर्क या यू नो मेरा कभी उनके साथ खेल भी लिया मैंने तो तब ऐसा वियर्ड नहीं लगता बट यू नो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि जाया आने वाली है लैन पे मैं मिलूंगा जाया। तो जाया आई एंड मैं ऐसा फिर मैं तोशान को पूछ रहा हूँ जाके बात करूँ क्या फिर ऐसा हम दोनों ही कंफ्यूज है। इसकी भी उतनी फट रही थी जाया है ऑफ कोर्स यार वेरी बिग स्टूडेंट जाया पहले भी मतलब ऐसे आ चुके जब आई थिंक हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था तो आई एम में उसका वो था रेड ब्रिक्स वो मॉडल था। हां जाया एंड एक और देयर फोर पीपल सो आई रिमेंबर टू ऑफ देम। तो मैं जाया को ऐसे जाके मिलूं गाइस तो कवरा सुहाना जॉर्ड ठीक है सुहाना जॉर्ड बोल के दिखा विश्व आपको कब से देख रहा हूँ आपको पता है बोले हाँ व्हेन यू वर 15 ईयर ओल्ड आई रिमेम्बर योर प्रोफाइल पिक्चर एज वेल नाउ स्टॉप सेइंग दैट स्टोरी इतनी बार बता दिया मैंने उनको स्टोरी। उसने नहीं बोला टोस्टी मुंह बंद कर ले नो भाई बड़ो यार आरजे देवकी वाला किस्सा तो बताए हो
हाँ मैं स्ट्रीम पर मतलब बहुत ओजी लोगों को पता होगा क्या किसी को भी जय का फर्स्ट स्पॉन्सर पता है किसने कोई चैट कल मुझे नहीं मैंने कल ही पूछा था कल मैंने चैट को ये पूछा था मैं तो करे सॉरी गाइस कि हाउ मच डू यू नो मी मैंने सवाल पूछे थे तो आई आस्क माय फर्स्ट स्पॉन्सर सोना वाटरमेलन के बीच विश्वत के लिए तो पता नहीं यार वो क्या है ऐसा सर आपके ऐसा व्हाट है तू कॉलेज पर जाने नहीं 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 वो बहुत ज्यादा हो जाएगी हां इसलिए तुम मिक्स रूट भेजो ना इंटेल मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर नहीं था एंटेक था जीचर्स था भूल गया जिसपे मैंने अपना पूरा बैकबोन रखा है मेरे हमने डिस्कॉर्ड पे मेल लिखा था मेरे यूट्यूब करियर का बैकबोन हाँ अरे एक्चुअली हुआ क्या था मेरे को इतना याद है कि जीचर्स मैंने खरीदा था एट वन के और सम सब्स नहीं कॉलेज से पहले 700 सब्स पे खरीदा था मैंने खरीदा था ब्रांड ने भेजा है 5K पे मेल हमने डिस्कॉर्ड पे बैठ के डिस्कॉर्ड पे लिखा था भूल गया नहीं मानसी याद है ना हेलो संगमी कल नहीं परसों बताया था ये हाँ भाई अभी एक ही बात है पेटीएम कर देना एंटेक प्रमो हमने ऐसे बहुत प्रमोशंस किए हैं एक पेस्ट्री वाला होता था याद है हमने कॉलेज में ऐसा किया था कि हम लोग को 5% ऑफ ऑन पेस्ट्री मिलता चाइना जाके बाद अरे वो बंदा इतना अच्छा था हम लोग कितना कूल बंदा था यार एक दो दिन हमने ऐसा कांस्टेंट खाया ना बट ऐसी कोई कॉलेज तो गाइस तुम लोग अगर कॉलेज स्कूल में हो मेरे को बताओ तुम लोग के कॉलेज में ऐसा है कि ठीक है खाना मिलता है ठीक है देयर इज लाइक मिड डे मील ऑल दैट इज डिफरेंट इज देयर अ प्लेस वेयर यू गेट पेस्ट्रीज मतलब पेस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होती थी लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज होती थी तो हम ऑलरेडी रिसॉर्ट जा रहे हैं हां रिसॉर्ट तो था ना ऐसा रिसॉर्ट जिधर चेक इन चेक आउट पीरियड हो उसको पसंद है राम जिसका नाम है कटाना टोस्टी कहता है सुहाना 18 की हो जा फिर मुझे पटाना इसी बात पे सुहाना आज मैं तेरे को चैट में वापस मोड बनाता हूँ यू हैव अर्नड द टियर ऑफ गेटिंग इग्नोर्ड अगेन इसको बैन होने सुहाना थैंक यू जहाँ पेस्ट्रीज समझ गया स्कूल के बाहर था हमारे तो कॉलेज के बाजू में था पेस्ट्री आपकी एपिक गेम्स की आईडी पासवर्ड दो इंस्टा पे प्लीज GTFI डाउनलोड करने में आपको 100 रुपीस की सुपर चैट दूंगा एक काम कर 1000 की सुपर चैट कर और 1000 से स्टीम पे गेम खरीद विश्रुत आप जरा फ्रेम के बाहर जाइए आप फ्रेम नहीं मिरर दिखिएगा क्यों क्योंकि मिरर में आप दिखिएगा तो आप ना भी कैमरा अवॉइड कीजिएगा वो सब दिखिएगा अवॉइड नहीं कर रहे तुमने फ्रेम चेंज किया तो हम बोलेंगे बाय हो गए हम क्या नहीं तुम बाय नहीं हुए हम तुम्हारी हाइट का किया आपने क्या नहीं थैंक यू फॉर योर सर्विस गाइस चेक आउट आरओजी एकेडमी वेरी गुड टाइमिंग जिसने भी सवाल पूछा है अभी आरओजी का एक प्लेटफॉर्म है आरओजी एकेडमी वेर दे कीप एन ओपन ट्राई आउट जो भी काफी अच्छे पोटेंशियल प्लेयर्स होते हैं वो उन लोग का एक टीम बनाते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल कोचिंग देता है इंटरनेशनल कोचेज आते हैं इंडियन नेशनल कोचेज है यू ऑल्सो गेट गुड इक्विपमेंट गुड PC एंड गुड सैलरी टू प्ले एंड यू ऑल्सो गेट टू प्ले विद योर फेवरेट टियर 1 टीम्स एंड टूर्नामेंट
रजिस्टर ऑन दैट, चेक इट आउट ऑन अ सीरियस नोट, वो भी स्पोर्ट्स चैनल। जय भाई स्कूल में कितनी मार खाई है? स्कूल में नहीं खाई है, एक ही बार मेरे को खाली संजय सर करके एक सर थे उन्होंने मारा था हाथ में स्केल जब मैंने गुजराती का बनाया। स्कूल के वजह से घर पे आपने कितनी मार खाई है? क्या वजह से? क्या स्कूल की वजह से? स्कूल की घर में कितनी मार खाई है? डैड तूने अब भी बनाया ना। स्कूल के वजह से घर में ज्यादा मार नहीं खाई यार मैंने, ऐसा किसी का बुरा नहीं किया स्कूल, ज्यादा नहीं 300-400। मैंने स्कूल की वजह से मार तब खाई थी जब पत्र लिखा था, मार नहीं पड़ी थी। वो मार पड़नी चाहिए थी जिस हिसाब का पत्र लिखा। फिर इतना अच्छा व्यूअरशिप रेशियो मेंटेन नहीं कर पाता मैं लेडीज का। हेलो हेलो, तू वो पत्र पढ़ा ना, सब गायब लड़कियां। पत्र अच्छा ही आया, मेरा मोर है वही ना मेरा। इंग्लिश में पक्षी मोर है, इंग्लिश में लेटर लिखा था भाई मैंने। माय फेवरेट पक्षी मोर। क्वेश्चन फॉर योर फ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? बनानी है पर बनती नहीं। ओ तू लाइव स्ट्रीम पे मत बोला करता है। अरे मैं विश्वत की बात कर रहा हूं। तेरी तू तेरा पूछा उस नहीं फ्रेंड या फ्रेंड पूछ गेम खरीद ले। आईडी पासवर्ड मेरा एपिक का नहीं दे सकता मैं वो यूज करता हूँ। तो 100 फिर भी भेजना है तो फिर आईडी नहीं मिलेगा। आटा मैगी का खर्चा निकल आटा पड़ता है वो भी उनमें तो आटा ही नहीं होता है। मैं पूछा है चैट को वो रोज पूछता मेरे को आटा आता है मेरे को तो आ गया है मैं जब पबजी खेलता हूं तो मेरा आटा आ जाता है। मैं कल से जा रहा पबजी खेल रहा था रात को पर मैं एक्चुअली अच्छा गेम लैग हो रही थी बट ऐसा ज्यादा पता नहीं चला बिकॉज़ स्ट्रीमर लैगिंग था इट्स प्रोबब्ली बिकॉज़ ऑफ द मैप तो जय हर एक मन मरे ना तो यूज्ड टू गाइस मैं अच्छा खेलता हूं ठीक है बस अभी आई कैन प्रूव इट टू यू and then the stream would lag again and then we would not know ki hua kya acha mood bana do tab tak bhai mood banane ke liye to goldi bhai ko bulaya goldi bhai mood banane ki wo ha wo chat mein aaya tha us din wo bolta hai bhaiya mod transfer kar le bhaiya mood bana do likhta wo chat mein aake mod ke liye puch raha tha mujhe bhaiya mood bana you love me jai nishay ke fan ka दिमाग सारा खाना खा जाता है बॉडी तक पहुंच एक्चुअली किसी डॉक्टर ने बोला जब दिमाग नहीं जब तुम्हारा दिमाग तुम पूरा टाइम अपना सेरेब्रल कैपेसिटी यूज करते रहते हो ना मतलब दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है ना तो तुम्हारा एनर्जी लेवल कंज्यूम होता है लो होता है तो वो तुम्हारा तुमने जो खाया होता है वो तुम्हारा दिमाग ही चूज लेता है। तो फोन करके पुलिस को अच्छा मॉडरेटर बना दो अभी कर देता हूँ 1000 का सुपर चैट एक मॉड बनाने पे। देख तेरे को एक चीज नहीं पता 1000 आने के बाद रिफंड नहीं होते बट मॉड आने के बाद हटा सकता हूँ की याद आती है। हाँ यार शूज दिखाओ दिखा। हाँ गोल्डी भाई शूज दिखाओ। अरे भाई सैंडल पहन के आ रहे हैं बरसात आ रही थी जब माहौल बारिश तुम्हें ठीक नहीं तो बहुत स्ट्रेस लेती हूँ फिर भी पूरा खाना बॉडी को ही जाता है ये मेरे जैसी वो स्कीम चाहिए मेरे को बस ये कहानी यहाँ तक पहुंची है तभी आप इतने स्मार्ट हो। आशी अदर के अटेंडेंस आया उसने दूसरी बार आशी की बहुत बार अटेंडेंस लगा ली आशी या रजिस्टर अब तो पूरे साल कॉलेज पता ना मतलब चैट में बीच में व्हाइट शर्ट में डिप्रेशन हो क्या नहीं बे आशी जैन भी है इधर हाँ वो इसीलिए पूछ रहा हूँ वो उसको भी एक बार भूल जाता था हाँ आशी तो जय बोल जाए आप पड़ी वाली नदी मेरे को ये जो याशी है ना मेरे को लगता था ये और वो वाली याशी है और वो तो आती वो तो ही वाली याशी वो तो आती नहीं है वो तो बोली मत चैट में नहीं आती है।
मैंने इसको व्हाट्सएप बता चुका हूँ मैं उसको, वो अग्री करता है कि मैंने सही बोला। पानी तो भरा था। नहीं नहीं मैं भी थी। इस तूने आज मेरे को दोपहर में बोला कि तो शुद्ध है ऐसा गाड़ी वाड़ी पानी वानी भर वो ये नहीं, वो इसकी आलस बोल रही थी। हाँ बट तो सही है, मेरी गाड़ी नहीं है मैं, इसीलिए तो ऑटो में आया। बेनिफिट ऑफ डाउट, गाड़ी तो गई मेरी, इंजन में पानी था, इंजन में पानी था इसी बार ऑटो से आया। ये तो एक्टिवा से निकल गया उसके घर से, फिर हम बीच में रेड बुलेट के लिए रुके थे ना। ब्लैक शर्ट भाई एक बार मरफा प्लीज। हैदराबादी ऐसा डांस फॉर्म है प्रॉपर। ऑनेस्टली तेरे को बोलता हूँ कि हम लोग जब बहुत हाई होंगे ना होंगे तो मरफा करेंगे, ठीक है? और याद दिलाना उसका लोग वो BTS में क्योंकि मेंबरशिप लेने तो डायमंड मेंबर क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत महंगा भाई कब बनाई ये अभी। वो आज तक सारे तेरे ब्रांड ऐसे ही बेचे हमने। अब तो गिफ्ट ही आएगा, बोलते हैं संता आएगा लेकिन सबको पता है घंटा आएगा। नहीं यार ऐसे नहीं है, मैंने एक दो बार मेंबर्स ओनली में भी वीडियोस दिखा है अनरिलीज्ड, तो मैंने अभी तक रिलीज टाइम चला गया। एरो का पीसी बिल्ड ब्लॉग गुड फिनिक्स देखो सवाल है 700 सब क्यों नहीं हो रहे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तो मिस्की टोस्टी आपका तो इनो का फेवरेट वर्ड का है मिस। रुक जा बियर, मैं खाली बियर पीता हूँ वर्ड का, और बियर भी मैं जब गुजरात से बाहर जाता हूँ अभी 18 का वो उसके बाद उनके साथ मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया होता तो मे बी मैं स्काउट बोलता हूँ। I think वो वाप ही रहता था ना जब roommates के सब team करता था कब के time से देखा था। मैं कब से देखता हूँ उसका, since he was at 12k subs and I played CSGO with him कैसे कैसे खेला पता है? Regard mode, I think scout mode है। Scout के साथ मैं एक scout जब Asia leaderboards first time आया था तो India का एक ही बंदा leaderboard पे था scout PUBG में, तो पारितोष ने उसपे video बनाया था, मैंने subscribe करके रखा। Then one random day he went live on his channel Scout, so मैंने join किया stream and I noticed that he was playing CS:GO with his friends. So CS:GO में ऐसा होता है तुम console खोलो ना और status लिखो तो उसमें तुम्हारा game का IP address आता है। तो मैंने Scout को chat में बोला, Scout देखो ना कौन सा server आया है, ping इतना high क्यों, Hong Kong आया लगता है, ऐसा ही कुछ तो था। मैं बोला, Scout ने बोला हाँ ठीक है देखता हूँ, उसने status लिखा, मैंने stream pause किया, IP देखा, game में घुस गया, custom match खेल रहा था वो। फिर थोड़ा स्काउट किया उसके साथ, फिर नहीं खेला, खेले नहीं खेला, फिर उसने स्टेटस नहीं लिखा ना कभी। वो ही आल्सो सी इमॉर्टल बट लाइक एक आई नो मॉर्टल ये लोग पागल थे उसके पीछे। अरे बट पता है हमने कब तक देखा मॉर्टल को, आई थिंक जब मॉर्टल और कैरी का जो 1v1 हुआ था टीडीएम में जो 75,000 2 lakh 3 lakh और लाइव चैट गई थी, दैट वाज द लास्ट टाइम आई थिंक आई सॉ मॉर्टल। बट पोस्ट दैट आई थिंक भाई क्या हो गया क्या कर दिया ऐसा तो बंदे ने, तब मैं उतना मॉर्टल को नहीं देखता था स्ट्रीम्स, लाइक आई न्यू मॉर्टल वॉज देयर एंड आई डिडंट यूज टू वॉच स्ट्रीम रेगुलरली, बट ये लोग रोज देख। और तब वो पुराना वाला घर था भाषी वाला जो उनका नॉर्मल वाला बूट कैंप था डीजे सोलो वाला। हाँ डीजे मतलब जब सब थे साथ में, जब ओजी वाले सब फन नहीं, तब आई थिंक तब मांबा के ब्लॉग्स भी देखते थे तब भाई, तब वो तो उसके कोविड में चालू है लॉकडाउन में उसके फर्स्ट, पर तब उसके मजे आते थे लाइक एरिमिनाटी और मॉर्टल मॉर्टल एनी डे। ऐसे टाइम पर फोमो होता है बहुत, फोमो तो नहीं ऐसा इरिटेशन हुआ कि बस भाई अभी माफ करो मेरे को, ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को जानना है उस टाइम पर। जनरली वंसी ऐसा था कि जयस अ पीसी गेमर एंड वी वरंट अ पीसी लाइक गेमर्स एट ऑल, वी वर लाइक नॉर्मल अंटिल वैलोरेंट।
मतलब जब तक फिर मेरा पीसी बना देन यू स्टार्टेड यू आल्सो बॉट अ लैपटॉप तब तक हम लोग यूज्ड टू प्ले ऑन मोबाइल ओनली सर यूज्ड टू ऑलवेज से ए तो कभी स्ट्रीम पे PUBG खेले ना तो हमको हां और मैं बोलता हूं वो मैं खेल के छोड़ चुका हां दोस्ती एक इंट्रो आई डोंट नो देम दे आर माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स आई थिंक आई वुड से द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कॉलेज से हम लोग मिले थे हमारा कॉलेज खत्म हो गया हां जस्ट हमारा तेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म हो जाता है तू ही टर्मिनेट करता है बिना नोटिस पीरियड नहीं मेरे को है उसने प्लेग्राउंड में से शायद आशी तूने याद किया हाँ भाई तो एक बार इतना 700 सब मत करो प्लीज दिल से बुरा लगता है अबे जीनिक्स तूने पर जीनिक्स हो जाएगा यार मैं बोलूंगा तो ही तो होगा अबे मेरा ना पापा का परा है वो मैं कॉलेज में आया था मेरे को याद है मेरे कुछ 400-500 सब्स थे है ना 500 सब्स थे और नहीं 500 नहीं थे शायद 600 थे सिर्फ ये लोग मेरे को नहीं उसने वीडियो भी लिया वो मेरे सक्सेस में था यार उसने हम सबका वीडियो लिया की हमको सब्सक्राइब कर रहा है और वो प्रूफ रखा था हमने की इन लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे को फिर उसके 3 दिन बाद थिएटर का क्लास हुआ और मैं एकदम चौड़ से गया था जय खत्री 800 सब ये 50 हम कॉलेज क्लासमेट 50 तो नहीं पर 20-25 तो हो गए थे ऐसे बोल-बोल के हो जा रहा है बोलना दीपराज आईपैड चार्ज नहीं है एजी रही हूँ आ रही हूँ ओके ठीक है काम करते गाइस अभी आज वैसे भी बहुत लंबा स्ट्रीम हो गया ढाई घंटा बतिया लिया हम लोग इतना ज़्यादा बता दिया तो मैं हमें पॉडकास्ट करना इसको एक्चुअली हाइपरएक्स ने स्पॉन्सर किया विदाउट बीइंग अ स्पॉन्सर है ना सही में चांगला मार मला हाइपरएक्स ये माइक ना भेजो ओके मराठी छोड़ मेरे को हाइपरएक्स ने नहीं भेजा पर मेरे दोस्त ने भेजा बट बाय दैट टाइम आई वाज अ फेस फॉर दैट रिमाइंड्स मी ऑफ हाइपरएक्स यू गाइस वांट टू सी हाइपरएक्स प्रोडक्ट्स ऑन एक्चुअली आई वांट टू सेल माय हाइपरएक्स लाइक दिस वन द रेड वन मेरे को बहुत मन हो रहा है कि वाइट वाला हाइपरएक्स है बट कॉल कार्ड एस बाय करना है चार्ट में वसा भी होश फेस रिवील They both have YT channels. He is supposed to start streaming soon. Toshti, Raven and Ramen Bowl. Someone me hai. Ramen Bowl. The Bowl. Main step aage mega bowl. Mega match patti bowl. Hey, Ahmedabad mein kya thi? Science City bro. Science City represent. त्रिपुरा कहाँ पे आता है मेरे को हुआ था Science City was so far from Gandhinagar. You used to come to Gandhinagar? Haan, yes, you told me. National Handloom. Neep student hai wo. National Handloom mein bhi kaam karti. Aur Neep student hai wo. Oh, isme padhti. Acha, Neep student hai wo. Theek. Oh. Surat ka maybe next month. Aana hai mere. Ke pehle ek Acha. Agartala mein bhi. Agartala to zyada difficult bata diya. Thoda easy bata. State batao. मैंने ऐसा डिसाइड किया और मैं किसी भी शहर में जाऊंगा ना तो ऐसा हर एक शहर में एक एक सब्सक्राइबर को चार देंगे
चार सब्सक्राइबर लड़का हुआ तो लड़कियों को ही ना लड़कों के लिए तो एक मीटअप अरेंज कर बोला मैंने स्ट्रीम पे चैट बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने कल बोला था ना स्ट्रीम पे इजी बॉम्बे दैट इज ट्रू बॉम्बे इजी बॉम्बे यार तो फॉरेस्ट में रहती है वी नॉट इधर आरे में रहती है व्हाट इसको पता है आरे हां तो पता है अभी तो मुंबई सब पता है यार आरे आरे कर दे इसको जलन होती है मैं बोलता हूँ मेरे को मुंबई पता है तो इसको रेफरेंस भी बॉम्बे का दिया मैंने मेरे को भी जलन नहीं ऐसे तो ये प्राउड होता है जलन होती है मेरे को भी जलन होती है होती है मेरे को वो होती है कि मैं आज करेगा ए क्या करेगा तू शायद तू ही बोलता था वैसे तू ही बोलता था सुनो आप चैट सुनो ये बंदा तो चलो ठीक है पर तुमने वो लोग देखे हाँ इधर घाटलोडिया रहते हैं वो हाँ इधर शाम को वो सेव मोगरा खाते हैं नाश्ते में और फिर बाद में वो वैलोरेंट खेलते हैं रो में इधर स्मोक कर देगा रो में उधर स्मोक कर देगा नहीं कर दूंगा ग्रामर व्याकरण थोड़ा सुधारो तन्मय भट्ट नीड्स टू मीट यू ब्रो आई थिंक ही वाज नहीं नहीं इज तो फ्रॉम मुंबई ना यू आर फ्रॉम दैट प्लेस सो दैट्स ओके दैट्स ओके हां बिकॉज़ यू हैव डेवलप्ड दैट डायलेक्ट तो बस बकवास तो है बिना कोई रीजन के दुखी हूं मैं इसलिए सुसाइड भी नहीं कर सकता तो क्या शराब पीना चालू कर दूं वैलोरेंट खेल भाई सुसाइड का भी रीजन मिल जाएगा वो दूसरा कर सकते हो शराब पीना नहीं यार शेयर भी कर सकता एनीवेज बाय फिनिक्स शराब पियोगे तो ऐसा हो जाओगे आप अच्छे हो जाओगे आप फाइंड अ वे विस्की बिफोर ड्रिंकिंग बाकी और फेड अवे दैट इज विस्की आफ्टर ड्रिंकिंग यू कांट फाइंड हिम खराब नहीं जाने सो सैम कल मिलते हैं ओके अनुष्का मेरे को तो नहीं बोल रही टोस्टी बेस्ट स्ट्रीम फूड ये आई नो बेस्ट स्ट्रीम फूड फक यू कॉलिंग मी अ स्नैक थैंक यू नो साउंड चल बे वॉल्यूम बढ़ा रहा बंद नहीं नहीं दिख रहा है ना ये देख बंद चेक करने का स्प्राइट की बॉटल खोली ऐसी शराबी बंद ओली आर्टिस्ट है तो I'm asking you. Best stream food. Stream food. Vagareli rotli. हाँ ना क्या वालो शाक है. Vagareli rotli and वालो शाक represent. खबर थी मारे. ये कर लो खुद को snack बना लो. भाई तेरे को ऐसे सॉन्ग जबरे याद है वो भी हॉर्नी सॉन्ग है मुझे को बना लो लुक एट मी एंड गेट वेट टेक्निकली बरसात मेक्स यू वेट नो हां मेरे को लगा इसके स्ट्रीम का टैगलाइन है लुक एट मी पावर्ड बाय सेट वेट पता नहीं आएगा रोहित भाई यू नो हु टू ईमेल नाउ ओरो करवानो मजा नहीं लाइफ ओरो मतलब ओ वेट ओरो ओरो इज दैट व्हाट आई थिंक इट सो इज दैट व्हाट आई थिंक इट इज ओरो नो इट कांट बी बट हाउ डू यू नो ही इज लाइक ओरो करवानो अरे ना 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 वो गो दे ओरो ओरो ये गाइस तुमने ऑडियो खाया ओल्ड ऑन ट्रेवल यार ओल्ड ऑन चैंपियनशिप आना तो मत बिगाड़ लोगों के ये सुनो ना गाइस अभी बहुत हो गया मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा दोस्तों के साथ बैठूंगा एंड देन मैं उनको गुड नाइट बोल के भगा दूंगा तो अभी मेरे को स्ट्रीम पे वो चीज नहीं करनी है आई एम एंडिंग दिस स्ट्रीम इट वाज ग्रेट टॉकिंग कैसे द रिप्लाई में मैंने तो लोग लिटरली रिप्लाई मांग रहे रिप्लाई ओरियो नहीं एक सेकंड ऐसे बता दो कैसे स्ट्रीम एंड करते हैं लाइक अ स्ट्रीमर बाय मिश्वा बाय रेज वसाबी बाय अनुष्का बाय शौर्य आशी जीनिक्स मानसी समृद्धि अनुष्का मिश्वा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय समृद्धि आज मिस नहीं करूंगा मैं तुम्हें क्योंकि आज मैंने भर भर के तेरे चैट पढ़ लिया आशी नहीं 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 आई नीड टू गो समथिंग समथिंग स्टार्ट प्लेइंग वैलोरेंट एंड यू विल हैव अ रीजन टू हैव अ सुसाइड भूमिका वर्मा बाय 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 आशी बाय बाय वसाबी वसाबी जल्दी मिलता है बाय लव यू टू समृद्धि गुड नाइट टेक केयर खुदा हाफिज शब्बा खैर बाय बाय प्रियांशी बाय मेंडोसा अबे ये क्या हो गया हाँ टाइम पास हो जाता है वैसे वैलोरेंट से बात तो सही गुड नाइट चलो